जो है वो कर रहे थे सॉकेट आयो, इसको ज़रा मैं चला लेता हूँ एक दफ़ा पहले कि कहाँ तक हम पहुँच चुके थे। हाँ, सॉकेट आयो की जस्ट हमने थ्योरी की थी। अच्छा, अभी तक हमारे पास, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव हो रहे हैं सॉकेट आयो में, तो ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। अच्छा, इतने में मैं इसकी एक कॉपी भी बना लेता हूँ ताकि वो पीछे बनती रहे। सही, इसकी मैंने कॉपी भी बना दी। अच्छा जी, हमारे पास ये एक अदद अकाउंट बना हुआ है और इसमें हमारे पास जो है ना वो मैसेजेस बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, बावजूद इसके कि हमारे पास यूआई में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हमने एक स्क्रीन जो है वो चैट की वो मिस कर दी थी, डायरेक्ट हमने जो है ना कन्वर्सेशन की स्क्रीन बना दी थी। तो लेकिन ये जैसे जम्बो डम्बो एक अकाउंट है, तो इसको अगर मैं मैसेज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्लिक करके इस तक आ सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके मैं कुछ भी बात लिखता हूँ तो उसको ये मैसेज मिल जाता है। ये खाली खाली क्यों किया हुआ है? अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम टेस्टिंग की थी उसका ये। तो जो भी मैं यहाँ पे मैसेज लिख कर इसको भेजता हूँ, ये उसको मिल जाता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी हमारे पास MongoDB का स्कीमा वगैरह जो हर चीज़ था, डेटा किस तरह से कहाँ सेव होगा, APIs हमारे पास सारी की सारी क्या हैं, कंप्लीट हैं। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि जब सामने से कोई मैसेज भेजा जाता है मुझे, तो मुझे स्क्रीन को रिफ़्रेश करना पड़ता है, उसके बाद ही मुझे वो मैसेज नज़र आता है, उससे पहले वो मुझे मैसेज नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना हमें सॉकेट आयो की रियल टाइम कंप्यूटिंग, इसको हम कहते हैं रियल टाइम कंप्यूटिंग, तो हमें रियल टाइम कैपेबिलिटी अपनी ऐप में डालने के लिए जो है ना सॉकेट आयो या इस जैसे किसी रियल टाइम फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। तो अच्छा, कॉपी यहाँ पर बन के तैयार हो गई है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, हमने 1-to-1 चैट कंप्लीट कर लिया है, और 1-to-1 चैट की मैंने कॉपी बना के ना, और 1-to-1 चैट और साथ में मैं रियल टाइम लगा देता हूँ। सही है, सही है, 1-to-1 चैट रियल टाइम सॉकेट आयो। ठीक है, इसको ज़रा सा मैंने अपेंड कर दिया, और इसी कोड को हम यहाँ पे, मैं इसको कमिट भी कर देता हूँ। फोल्डर की कॉपी मैंने बनाई है इसमें जस्ट, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ताकि मेरी जो चेंजेस हैं वो क्लीन हो मेरे पास, और मैं सर्वर के अपने कोड में जाता हूँ। अच्छा, मेरा जो सर्वर पहले से चल रहा है इसको भी मैं रोक देता हूँ। cd:\13, ठीक है, npm run dev। ठीक है, मैं ज़रा करेक्ट फोल्डर में आके इसको मैंने कर लिया, इसको भी किल कर लेता हूँ मैं। cd:web npm start। तो जो मैंने फोल्डर की कॉपी बनाई थी, अब मैं उसके अंदर आ गया हूँ, और उसके अंदर आके मैंने सर्वर और फ्रंट एंड को दोनों को रन कर लिया है। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा मुझे ये पहले दिखता था। ठीक है, अच्छा, ये जस्ट एक मेरे पास ये बॉर्डर इसके अंदर लगा हुआ था, आई थिंक ये इसको पहले रिमूव कर देते हैं ताकि जो है ना थोड़ा सा, वरना ब्रोकन फीलिंग आ रही है इसको देख के। ठीक है जी, मैं पेजेस में गया, और मैं गया चैट में, और मैं chat.css में गया, और यहाँ पे मैंने ये वाला एक बॉर्डर इसके ऊपर लगाया हुआ था, इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और मेरा जो है ना यूआई ज़रा अब उस तरह से ब्रोकन फील नहीं करा रही मुझे। ठीक है, अच्छा, मुझे शायद कुछ पैडिंग भी इसमें चाहिए थी। मैंने इसकी विड्थ क्योंकि 100% की हुई है, तो पैडिंग अभी हम छोड़ते हैं, वो CSS में फिर हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमारा। ठीक है, जैसा है अभी ठीक है बस। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ अपने सर्वर के रूट पे। ठीक है जी, ये हमारा सर्वर का रूट है, और यहाँ पर ये एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनी हुई है, और अब मैंने क्या करना है, इसमें सॉकेट आयो का भी सर्वर चलाना है। याद रखें, हमारे पास जो एक्सप्रेस का सर्वर है ये HTTP सर्वर है हमारा, और जो सॉकेट का हम सर्वर बनाने जा रहे हैं दैट इज़ अनदर सर्वर। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपनी एक ही ऐप के अंदर दो सर्वर इन्वॉल्व करने जा रहा हूँ अब। ठीक है, हर केस में हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सॉकेट का सर्वर बिल्कुल ही अलग मशीन पे चल रहा होता है। क्यों? कि सॉकेट जो है वो शॉर्ट लिव्ड वाले पे काम नहीं करता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट लिव HTTP शॉर्ट लिव्ड पे काम कर जाता है, तो समटाइम्स ये होता है कि सॉकेट आयो की जो छोटी सी एक ऐप बना के अलग से गूगल ऐप इंजन पर डिप्लॉय हुई हुई होती है, ठीक है, बाकी का पूरा सर्वर वो अलग डिप्लॉय हुआ हुआ होता है, और इनकी जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो HTTP से ही होती है। ठीक है, समटाइम सॉकेट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, समटाइम उसकी जगह फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस वगैरह कुछ लगा लेते हैं, और जस्ट एक पिंग मारते हैं और वो खुद ही फैच कर लेता है फ्रंट एंड से। ठीक है, बट फिलहाल हम क्या करते हैं, इस पे सॉकेट लगाकर और ये करने की कोशिश करते हैं हम।
हाँ अभी तक मैंने इसमें एक्चुअली कोई कोडिंग नहीं की, कोडिंग करूँगा तो मैं फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा दूँगा, ठीक है। अभी तक ये जो पहले का लिखा हुआ था वही है। जब मैं आपको बोलूँगा ना कि यार यहाँ देखें आप ये कोडिंग, तो फिर मैं आपको इतना एटलीस्ट जूम कर दूँगा कि आपको नज़र आए। ठीक है जी, ये सॉकेट आयो हमारा ये आ गया, ये रिपोजिटरी है, ये मैंने लास्ट खोली थी और इससे हमने लास्ट टाइम थ्योरी डिस्कस की थी इसको देखते हुए। अच्छा अब मैंने क्या करना है, अपने जो सर्वर के ऊपर इसी तरह से कोड लिख देना है। अच्छा ये किस तरह से मैंने लिखा था, इस तरह से मैंने लिखा था कि क्रिएट सर्वर करके जो है ना, एक मैंने ये HTTP करके एक लाइब्रेरी है जो बिल्टन होती है नॉट JS के अंदर, इसको मुझे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बगैर इंस्टॉल किए मुझे ये लाइब्रेरी मिल रही होती है। तो ये मैं अपने पास इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, तो ये मेरा सर्वर है और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर, ठीक है। एक्चुअली अच्छा यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है, मेरे पास देखो इंपोर्ट ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं कि जो लाइब्रेरीज़ है ना वो सारी हम कर देते हैं टॉप पे, सही है। जो लाइब्रेरीज़ NPM से इंस्टॉल हुई हैं ये सारी NPM वाली लाइब्रेरीज़ हैं। अच्छा उसके बाद ये कुछ इंपोर्ट मेरी अपनी फ़ाइलों से हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये मेरी अपनी फ़ाइलों वाला है, उसके बाद हुई हुई है कुछ कॉन्फ़िग्रेशंस, ठीक है। जैसे ये DIR नेम है, दिस इज़ एक्चुअली अ कॉन्फ़िग्रेशन, तो ये कॉन्फ़िग्रेशन को मैं उसके बाद रख देता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िग्रेशन को मैं सबसे लास्ट में कर देता हूँ यहाँ पे, सही है। तो ये कैसे ऑर्गेनाइज हो गया, सबसे पहले NPM की लाइब्रेरीज़। अच्छा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको आप ऊपर नीचे भी रखेंगे तो ठीक है, लेकिन समहाउ आपने इसको ऑर्गेनाइज करना तो है ना। तो मैंने सबसे पहले NPM वाले को रख लिया, उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइलों से जो इंपोर्ट हुआ है उसको रख लिया, उसके बाद मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन वाले आइटम्स थे उसको रख लिया कि जी ये कॉन्स्ट करके ऊपर ही बनाया है, ये नीचे पूरे में ये इस्तेमाल हो रहा होगा, तो वो वाला काम कर लिया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब मैं क्या इंपोर्ट, ये क्रिएट सर्वर भी मैंने HTTP से लगाया है, तो दिस इज़ एक्चुअली अ लाइब्रेरी, मेरी अपनी बनाई फाइल नहीं, तो इसको मैं उसके साथ ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्रिएट सर्वर मुझे मिल गया, साथ में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये socket.io, ठीक है। socket.io के जो दो मॉड्यूल हैं, एक सर्वर वाला मॉड्यूल है और एक क्लाइंट वाला मॉड्यूल है, तो ये सर्वर वाला मॉड्यूल है एक्चुअली, socket.io करके जो मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है। सर्वर एज, अच्छा ये इंपोर्ट करते हुए जो एज होता है ना, मतलब मिसाल के तौर पर ये सर्वर के नाम से इंपोर्ट हो रहा था लेकिन मुझे अपनी अपने कोड में किसी और नाम से चाहिए, तो मैं इसको एज करके कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे JWT है ना। अब JWT को मैं क्या कर रहा था, JWT के नाम से ही इस्तेमाल कर रहा था, ये कुकी पार्सर मैंने इसी नाम से इस्तेमाल किया हुआ है, बट इसको मैं एज करके ना CP भी कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी ना, एक बात कह रहा हूँ मैं, ये एज समझाने चाह रहा हूँ असल में मैं, ठीक है। जैसे क्रिएट सर्वर है ना ये HTTP, तो अब मैं इसको एज करके क्या कर सकता हूँ, CS भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मुझे ये CS के नाम से मिलेगी। अच्छा इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि सम टाइम, जैसे क्रिएट सर्वर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ ना, तो किसी दूसरी लाइब्रेरी से भी सेम नाम का फंक्शन है, तो उस सूरत में तो मुझे किसी एक को ना एज करके नाम चेंज करना पड़ता है उसका, ठीक है। नॉट JS के अंदर जो यानी बिल्ट इन वाला जो था ना, उसके अंदर ये काम ज़रा सा मुश्किल होता था, ठीक है। असल में तो उसमें खैर इस तरह होता ही नहीं था, उसमें तो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट ही एक्सपोर्ट होते थे, डिफ़ॉल्ट के अलावा फिर वो पूरा ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो डॉट डॉट करके एक्सेस होता था, तो ये वाला इशू आता ही नहीं था। ये वाला इशू सिर्फ ES6 के इंपोर्ट के अंदर ही आता है, क्योंकि इसके अंदर ज़रा चीज़ों को आसान किया है, तो जाहिर है व्हेन यू सिंप्लीफाई समथिंग ना, तो वो अपने साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी लेकर आता है, तो उसको हैंडल भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अब रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन्होंने गार्बेज कलेक्टर हटा दिया, तो गार्बेज कलेक्टर हटाने की वजह से पूरा आवे का आवा बिगड़ गया उसमें, मतलब वेरिएबल को अब क्लियर कैसे करें, तो उन्होंने फिर एक ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट डाला उसमें, पता नहीं क्या किया वो करके ना सारा, कि जी वो एक वेरिएबल बनेगा तो उसमें ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, तो वो एक फीचर को चेंज करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो वन ऑफ दोज थिंग्स ये एज। तो मैंने सर्वर के नाम से ये इसमें से आता है, तो मैं सर्वर को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपने कोड में इसको मैंने socket.io के नाम से अब मैं पहचानूंगा इसको, ठीक है। क्योंकि सर्वर एक बहुत ही जेनेरिक सा नाम है, इस वजह से शायद socket.io एक मेक सेंस है थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा तो ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट हो गई मेरी, नीचे का पूरा सर्वर वैसा ही है जैसा होता है। लास्ट में जाके ना मैं क्या करूँगा, ये वाला काम करूँगा, ठीक है, कि ये सर्वर इस तरह से मैं बनाऊंगा, आज इस तरह से मैं सर्वर बना लेता हूँ,
अब लास्ट में मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, जहाँ पे ये मेरी ऐप ये ख़त्म हो गई है, ऐप डॉट यूज़ वाले जो सारे आइटम थे ना, ये मेरे क्या हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे ऐसे सर्वर बना लूँगा। ठीक है, ये मेरा कौन सा सर्वर है, ये मेरा HTTP सर्वर है जो मैंने ऊपर इम्पोर्ट किया था, ये लास्ट में बनाएंगे हम, इसकी एक सीक्वेंस है इसका, उस सीक्वेंस से करें तो ज़्यादा बेहतर है, ऊपर नीचे करने से ज़रा कन्फ्यूजन इसमें हो जाती है, क्योंकि दो सर्वर एक जगह पर पुट कर रहे होते हैं ना हम, तो ज़रा सा फिर मामला उसी हिसाब से देखने पड़ते हैं हमें। अच्छा, तो ये मैंने क्या कर दिया, इस ऐप को जो है ना इस सर्वर के हवाले कर दिया, ये अब ये वाला काम नहीं होगा, अब ये जो मेरी ऐप थी ना, जो एक्सप्रेस की ऐप, ये मैंने इस सर्वर के हवाले की है। ठीक है, ये चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे। अच्छा, अब इस सर्वर के साथ ये हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसी सर्वर के अंदर सॉकेट आईओ भी घुसाया। ठीक है, क्योंकि ये दिस सर्वर इज़ नाउ सर्वर, अभी इस पर लिसनिंग शुरू नहीं हुई, बट दिस इज़ अ सर्वर। इस सर्वर के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने सॉकेट आईओ भी डाला समाओ। ठीक है, न्यू सॉकेट आईओ करके जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया था उसको इनिशियलाइज़ किया, उस मैंने कहा कि भाई ये है सर्वर का ऑब्जेक्ट, इस सर्वर के साथ आपने चलना है, इसमें कुछ क्रॉस ओरिजिन के कुछ रूल्स अप्लाई किए मैंने। ठीक है, क्रॉस ओरिजिन में मैंने ये बोला कि किसी भी URL से हो फ्रंट एंड, आप उसको अलाउ कर देना। ठीक है, ये मैंने बोल दिया उसको। आई एम नॉट श्योर कि ये स्टेरिक पे अब चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि अब गूगल क्रोम ने कुछ चेंजेस किए हैं, अब वो स्टेरिक को जो है ना मना करता है, बोलता है नहीं स्टेरिक नहीं दो मुझे, मुझे नाम बताओ। तो वेल, अभी देखते हैं कि अगर नहीं चलता है तो उसको अलग से हम कोई गूगल शूगल मार के ना कोई देख लेंगे कि नया क्या हो रहा है। ठीक है, इसके कमेंट्स भी मैं साथ साथ इधर कॉपी करता जा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट्स भी मैं कर देता हूँ, ये कमेंट्स मैंने अपने लिए लगाए हुए हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ये कोड आप स्टडी करेंगे तो आपको भी इस कमेंट से हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब मेरे पास जो ये IO के नाम से जो है ना, ये क्या हो चुका है, इसका हैंडल आ गया मेरे पास सॉकेट आयो का। अच्छा, अगला काम यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर ये IO के ऊपर जो जो चीज़ें लगानी थी ना वो लगा दी हैं। अच्छा, और लास्ट में जाके सर्वर के ऊपर डॉट लिसन कॉल कर दिया। ठीक है, जो कॉल में लिसन का क्या करता था, ऐप के ऊपर करता था ना, ऐप डॉट के ऊपर, अब वो मैंने किस पे कर दिया, सर्वर डॉट लिसन के ऊपर कर दिया। सही है, आसान है ये, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, ये मेरा सॉकेट का सर्वर चल पड़ा। अब इस IO के ऊपर मैंने अभी कुछ लगाया नहीं है कि ये सॉकेट का सर्वर बिहेव कैसे करे क्या करे, अभी वो सब मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस मैंने अभी जस्ट ये लगाया है कि जो है ना ये सर्वर बन गया है, मौजूद हो गया ये सर्वर। अच्छा, अब इस सर्वर से मैं कनेक्ट करूँगा ना, कनेक्ट हो जाएगा ये सर्वर, लेकिन अब जब सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो रिस्पॉन्स करता है, जैसे हमने बोला ना भाई कि स्लैश लॉगिन, तो अब लॉगिन पे एक रिक्वेस्ट आती है तो वो कुछ पैरामीटर साथ लाती है, फिर उसको कुछ ना कुछ सर्वर रिस्पॉन्स करता है, तो वो चीज़ें अभी कुछ भी नहीं की हमने। अच्छा, उसके लिए अब यहाँ पे इस जगह पे ना दरमियान में ये यहाँ पे जो भी सॉकेट की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे भी कर सकते हैं या किसी दूसरी फाइल में भी कर सकते हैं। अभी तो एक्चुअली मेरे पास दूसरी फाइल, हाँ दूसरी फाइल है ना मेरे पास, ये मैंने तो राउट्स का पूरा फोल्डर बनाया हुआ है ना मैंने, तो जिसमें मेरे अलग अलग राउट्स होते हैं सारे के सारे, है ना, राउट्स का मैंने पूरा एक फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इतने को पहले फ्रंट एंड से हम कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो कनेक्ट हो जाता है, ओके कर देता है कि हाँ भाई मैं कनेक्ट हो गया हूँ कि नहीं हो गया। अच्छा, आ जाओ भाई फ्रंट एंड पे। अब ये क्या बोल रहा है, अच्छा मॉड्यूल नॉट फाउंड बोल रहा है, इसको वो NPM इंस्टॉल नहीं किया ना हमने। मैंने कहा जी sudo NPM install socket IO, एंटर। सही है, देख लेता हूँ एक दफ़ा, मैं यही नाम है इसका, कुछ और नाम है। कर तो दिया इसने इंस्टॉल, लेकिन सॉकेट डॉट आयो नाम है इसका। सही है, अभी मैंने सिर्फ आयो लिखा है तो इंस्टॉल कैसे हो गया ये, कोई गलत, देखो गलत इंस्टॉल हो गया। ठीक है ना, जो मैंने इंस्टॉल करना था वो कौन सा था, सॉकेट डॉट आयो था। ठीक है, ये सॉकेट डॉट आयो है, और मेरे इस रिपॉजिटरी के अंदर भी जो पैकेज डॉट जेसन में इसका नाम लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पे भी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, नाम इसका देख सकता हूँ। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज के अंदर ना सॉकेट डॉट आयो ही है ये, ठीक है, सॉकेट डैश आयो नहीं है। अच्छा, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा NPM इंस्टॉल को अंडू करने के लिए क्या करना होता है, मैं रिमूव। सही है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने से क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन से भी वो हट जाएगा खुद ही। ठीक है, देखो पैकेज डॉट जेसन में ये अब नहीं है, डिपेंडेंसीज कहाँ गई इसकी,
ये इसकी डिपेंडेंसीज आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे वो आया था लेकिन वो ख़त्म हो गया, और मैं दोबारा से इंस्टॉल करके सॉकेट डॉट आईओ लगा देता हूँ इस पर। सॉकेट डॉट आईओ फ्रंट एंड का नहीं है, वो फ्रंट एंड का था, क्या बोल रहे हो मैं समझा नहीं। ओह अच्छा, ये मैंने फ्रंट एंड वाला खोला हुआ है, हाँ ये लो बैक एंड वाला खोल दिया मैंने अभी, सही है। ये सॉकेट डॉट आईओ इसमें आ गया, अच्छा वो तो नहीं आया ना दूसरा वाला, हाँ नहीं दूसरा वाला नहीं आया, सही है। तो ये सही इंस्टॉल हो गया, अब npm run dev इसको दोबारा कर देते हैं, चल जाएगा दोबारा। अब क्या हो गया, पोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, खैर ये मेरे को कोड का इशू है, देख लेते हैं मेरे कोड में मैंने क्या किया। पोर्ट, अच्छा ये पोर्ट है ना, तो एक्चुअली मैंने ये पोर्ट इस तरह से बनाई हुई है ना अपने पास, सही है, मैंने पोर्ट इस तरह बनाई हुई है, ठीक हो गया, अब सेट हो गया ये, क्योंकि हमें कहीं पे भी डिप्लॉय करते हैं हमें पोर्ट इसी तरह मिलती है, तो बेहतर ये है कि हम इसी तरह हमेशा आदत डालें। तो ये मेरा सेट हो गया, अब मेरा सर्वर सही चलने लग गया, हाँ मेरा सर्वर सही चलने लग गया, ठीक है। अच्छा ये मेरा आईओ का जो एक लाइन का सर्वर है इस वक्त, इससे अब मैंने क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। तो वो कनेक्शन मैं अब क्या करता हूँ, अपने फ्रंट एंड पे जाके बनाता हूँ। अच्छा, और अपने फ्रंट एंड पे जो मैं कनेक्शन बनाऊँगा वो मैं उसी कंपोनेंट में बनाऊँगा जिसमें मुझे उसको चाहिए, ठीक है। जैसे HTTP की रिक्वेस्ट मैं कहाँ करता हूँ, उसी कंपोनेंट में करता हूँ ना, यूज़ इफेक्ट करके लगा लेता हूँ, अगर पेज लोड होते ही करना है या किसी बटन के क्लिक पे। जैसे मैंने सेंड मैसेज का जो HTTP रिक्वेस्ट है वो कब कॉल की है मैंने, कि भाई जब बंदा मैसेज लिख के सेंड का बटन दबाया जब कॉल की है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी मुझे सॉकेट की भी जिस कंपोनेंट में ज़रूरत होगी मैं उसको उसी जगह पे करूँगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो app.jsx की फाइल में भी उसको कनेक्ट करा लेते हैं और वो थ्रू आउट द ऐप ना कनेक्ट रहता है वो, ठीक है। कुछ केसेस में वो सही होता है लेकिन मोस्ट केसेस में वो सही नहीं होता है, ठीक है। कुछ केसेस में वो सही इस तरह से होता है, जैसे नोटिफिकेशन है, अब नोटिफिकेशन आप अपने ऐप के किसी भी हिस्से में है तो नोटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। यानी नोटिफिकेशन वाला जो सॉकेट है वो आपके app.jsx के अंदर शायद आप कनेक्ट करेंगे उसको, तो क्या होगा कि वो app.jsx वो कंपोनेंट होता है कि आप कहीं भी नेविगेट करते रहें जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे वो कंपोनेंट अनलोड नहीं होता है, ठीक है। तो लिहाजा वो क्या होगा, वो कनेक्ट रहेगा। ऑन अदर एंड जैसे मैसेज आने वाला जो नोटिफिकेशन है, सही है। अच्छा एक तो देखो, मैसेज जब जनरेट होता है तो नोटिफिकेशन भी जनरेट होता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन अभी एक तरफ कर दो इसको, एक मैसेज आने वाला जो है ना वो, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ चैट की स्क्रीन पे कनेक्ट होगा, जैसे ही मैं चैट की स्क्रीन से हटूंगा उसको फौरन मैं डिसकनेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो अब इसको कनेक्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, आ जाओ फ्रंट एंड में क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने प्लेन HTML पे किया हुआ है, लेकिन रिएक्ट हो या कोई भी हो फ्रंट एंड, बल्कि प्लेन HTML में नहीं है, मैंने Node.js में लिखा हुआ है फ्रंट एंड भी इसका, सही है। वेल तो ये एक ही बात है, सही है। इस तरह से ये इंपोर्ट हो जाएगा, आ जाओ भाई इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। ये इंपोर्ट हो गया इस तरह से ऊपर, ठीक है। chat.jsx की स्क्रीन पे हुआ है ये। अच्छा इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा जाहिर है, ठीक है। जैसे ही मैंने देखो इंपोर्ट लगाया ये कोड में एरर आ गया कि भाई ये तो इंस्टॉल ही नहीं है। तो मैंने कहा कि जी sudo npm i, और ये इसी तरह ही है, सॉकेट आईओ डैश क्लाइंट, इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद वापस npm स्टार्ट किया तो अब वो वाला एरर नहीं आया, सही है, वो वाला एरर नहीं आया। अब चल जा भाई, क्या हो गया, इतनी देर लगा रहा है। अच्छा वो इतनी देर इसलिए लगा रहा है, मेरे पास पावर सेविंग मोड ऑन है ना, तो वो ज़रा प्रोसेसर पे थ्रॉटलिंग हुई भी होती है, सही है। वेल अच्छा ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, मैंने अगला काम मैंने ये करना है कि इस तरह करके सॉकेट आईओ को कनेक्ट करना है मैंने, सही है। अब ये वाला जो कनेक्शन है ना, इस पे मेरे सर्वर का पोर्ट लगेगा ऑब्वियसली, मेरे पास वो बेस URL के नाम से है जिस पे मैं HTTP मारता हूँ, उसी पे मैं ये भी मार रहा हूँ एक्चुअली। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी, अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे कनेक्ट करवा दूँगा, ठीक है भाई, सही करवाया मैंने ये कनेक्शन। और इसमें मैं लगा दूंगा बेस URL, सही है। ये बेस URL जो मेरे पास कोर की फाइल के अंदर मैंने बनाया हुआ था, एक दफ़ा ज़रा रिमाइंड करा देता हूँ मैंने बेस URL में क्या रखा था। मैंने रखा था कि भाई ब्राउज़र की विंडो में जाके चेक करो, अगर HTTPS आ रहा है तो उसको कुछ भी नहीं रखो, खाली रखो। खाली का मतलब होता है कि जो भी इस वक्त
विंडो जहाँ पे खड़ा हुआ मैं उसका बेस यूआरएल इस्तेमाल होगा अगर मैं बेस यूआरएल खाली रखता हूँ तो, अदरवाइज 5002 रखो, ठीक है। तो इस वक्त राइट नाउ क्या होगा, ये 5002 को इस्तेमाल करेगा क्योंकि मेरे यूआरएल में यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो https नहीं है मेरे यूआरएल में, सही है। https होगा तो वो उसको स्लैश करके, यानी जो विंडो का यूआरएल है इस वक्त वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अभी जो विंडो में मेरे 3000 है, इसका मतलब है मैं लोकल पे हूँ और https नहीं है मेरे पास, तो ये किस पे कनेक्ट मारेगा, 5002 जो है जिस पे मेरा सर्वर इस वक्त चल रहा है, ठीक है। सर्वर को अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरा सर्वर 5002 पे चल रहा है, तो उस पे इसको कनेक्ट मारना चाहिए। ये बस ये कोर मैंने बनाया इसी हिसाब से कि ये प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों में काम करेगा, बस आपने बेस यूआरएल पे कनेक्ट मारना, दोनों पे एक जैसा ही चलेगा, वो खुद कंडीशनली बेस यूआरएल को चेंज कर रहा है, ठीक है। बाय द वे ये हम एक और भी इससे काम लेते हैं, सम टाइम क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं ना ज़रा लिमिटेड होती हैं, तो उसमें भी हम ये वाली अप्रोच करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे गूगल क्लाउड के ऊपर ना एक इंस्टेंस फ्री होता है, अब एक इंस्टेंस होता है 512 MB रैम का, अब हमें उसको करना है दो इंस्टेंस, तो कैसे करेंगे, उसके मांगता है वो $25 एडिशनल अगले इंस्टेंस के। तो हम क्या करते हैं, सम टाइम जो बिल्कुल ही गरीब क्लाइंट होता है, रो रहा होता है बेचारा, मर रहा होता है जो, तो उसको हम क्या करते हैं, फ्री वाले उसको बोलते हैं 3-4 अकाउंट बना ले दूँ, और एक एक इंस्टेंस का वो अलग अलग बेस यूआरएल होता है वो यहाँ लगा देते हैं, कंडीशनली वो रैंडमली मतलब चूज़ कर रहा होता है। अच्छी अप्रोच नहीं है क्योंकि रैंडमली अगर कोई ऐसा चूज़ किया जिसकी लिमिट पूरी हो चुकी है तो बैड एक्सपीरियंस करेगा यूज़र, लेकिन स्टिल उससे काफ़ी हद तक जो है ना ट्रैफिक स्प्लिट हो जाता है। एक इंस्टेंस हमारा जो गूगल ऐप इंजन का है वो 3-4 हज़ार यूज़र उठा लेता है साइमल्टेनियस 3-4 हज़ार यूज़र, यानी 3-4 हज़ार रिक्वेस्ट अगर एक साथ आती है तो उसको संभाल लेता है वो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपने कोड सर्वर का अच्छा लिखा हुआ है तो उसको अगर 4 इंस्टेंस इस तरह मिल जाते हैं फ्री वाले तो उसके लिए मतलब समझ लें 10-12 हज़ार यूज़र संभालने के काबिल हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वाली अप्रोच बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी काम आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक API थी हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की एक API है, विजन की API है उनकी एक, वो क्या करती है जैसे AI एज अ सर्विस है ना, मेरी तो स्पेशलिटी यही है AI एज अ सर्विस, तो वो इमेज को हम उधर भेजते हैं तो वो इमेज के बारे में बहुत सारी डिटेल मुझे बता देता है कि जी अब इमेज में कितने बंदे हैं, कितने बंदों ने चश्मा लगाया हुआ है, XYZ 100,000 तरह की वो डिटेल बता देता है। तो वो API जो है वो क्या होती है, वो एक सर्टन लिमिट तक वो फ्री देता है, उसके बाद वो चार्ज करता है। तो उसमें भी एक दफ़ा ये करना पड़ा था हमें, गरीब क्लाइंट अगेन, उसने बोला यार ये तो मैं पैसे नहीं दे सकता, ये तो एक API कॉल के पता नहीं 5-6 रुपये काट ले रहा है, वो भी आज से पता नहीं 5 साल पहले, अब तो डॉलर भी बढ़ गया है, वो 5-6 रुपये काट ले रहा है, ये तो पाकिस्तानी, तो बस पाकिस्तानी बंदों के ये रोने फिर ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो उसमें भी यही किया था हमने कि भाई मैंने उससे बोला भाई जितने भी अकाउंट तू बना सकता है फ्री बना ले, और उसको यहाँ पे सारा URL लाइन से लगा दिया, क्योंकि वो रैंडमली किसी एक पे भेजता था, होता ये था कि वो स्प्लिट हो जाता था लोड ना। तो ये वाली जो अप्रोच है ये सिर्फ बेस URL में नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पे ये यूज़फुल रहती है, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ इलीगल भी नहीं है, लीगल है, उन्होंने खुद दिया हुआ है फ्री, अब वो अलग अलग एक वाइफ के नाम से बना लिया, एक बच्चे के नाम से बना लिया, एक दोस्त के नाम से बना लिया, तो वो एक्चुअली लीगल है, इसमें ये लूप होल है एक तरह का उनकी साइड से ही है। अच्छा इसके अंदर क्या मसला है कौन मुझे बताएगा, इसके अंदर एक मसला है, कनेक्ट तो ये हो जाएगा इसके अंदर लेकिन एक मसला है, ठीक है। अच्छा और मैंने क्या बोला कि सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट, यानी ये सॉकेट को मैंने कनेक्ट तो करवा दिया लेकिन मैंने बोला कि जब कनेक्ट हो जाए तो मुझे कॉन्सोल पे बता दो कि कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैं ये भी लगा लेता हूँ, मुझे पता तो लगा कि कनेक्ट हो भी गया कि नहीं हो गया। सर्वर पे अभी मैंने नहीं बोला, यानी जब ये रिक्वेस्ट जब सर्वर पे जाती है तो सर्वर और क्लाइंट दोनों यूँ कनेक्ट हो जाते हैं ना, सॉकेट हो जाते हैं आपस में। तो जैसे क्लाइंट से मैंने बोला कि सर्वर पे आप इसको सॉकेट की रिक्वेस्ट को आप ऐसे इमेजिन करें कि आप क्लाइंट पे खड़े हुए हैं ना, आप बंदे हैं क्लाइंट पे खड़े हुए हैं, आपने यूँ रस्सी को मैं यूँ फेंका सर्वर पे, तो वो सर्वर पे जाके यूँ अटक जाती है, तो एक लाइव कनेक्शन बन जाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। अच्छा जब आपने यूँ रस्सी घुमा के फेंकी सर्वर पे तो सर्वर को पता लग जाता है कि कोई कनेक्ट हुआ है और आपको भी पता लग जाता है कोई कनेक्ट हुआ है। तो अभी ये मैंने क्लाइंट के ऊपर लगाया है कि जब क्लाइंट ऐसे रस्सी घुमा के फेंके ना, अगर तो नहीं फंसा अगर वापस आ गया तो पता लग जाता है ना कि अच्छा वापस आ गया दोबारा फेंकना है ना, अगर आप रस्सी हाथ में आपके है तो। लेकिन जब वो कनेक्ट हो जाता है तो फंस जाता है, आप खींचते हैं हाँ भाई मजबूत हो गया, तो ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ भाई सर्वर से मजबूती से ये रस्सी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह सर्वर को भी पता लगेगा, आप इमेजिन करेंगे सर्वर एक दूसरी बिल्डिंग है जिसपे आपने फेंका था, वो वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने देखा हाँ यार तेरी रस्सी फंस गई है सही, तो उसको भी पता लगेगा अच्छा कोई यूज़र मेरे साथ
कनेक्ट हो गया, तो ये कनेक्टेड का इवेंट दोनों को मिलेगा अलग अलग। अच्छा, तो ये कनेक्टेड, अब मैं देखता हूँ कि मेरे कॉन्सोल पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेरे कॉन्सोल पे किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। वेयर इज़ माई कॉन्सोल। ओहो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, मेरी यही है। तो ये कौन सी की का एरर दे दिया इसने यार, अब ये कौन सा मैंने मैप चलाया इस पे यार। एक मिनट यार, ये मैप को पहले सुलझा लेते हैं। अच्छा, ये मैंने नहीं दिया ना इसको, यूनिक की नहीं दी हुई मैंने इसको, सही है। फ़िलहाल के लिए मैंने इंडेक्स दे दिया इसको, अभी खुश है। हाँ, अभी खुश है। हाँ भाई, कनेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मेरे पास। कौन बताएगा कि इसमें मसला क्या है। कौन मुझे बताएगा कि इसमें मसला क्या है। मसला आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने है। जहाँ पे भी मसला है, मसला आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने है। मसला आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने है। वो कनेक्टेड जब जब चलता है, जब जब एक रस्सी कनेक्ट कर लेता है। कनेक्टेड एक दफ़ा आना चाहिए, दोबारा कभी भी नहीं आना चाहिए। डेवलपमेंट में दो बार हो रहा है, लेकिन वो चार दफ़ा हो जा रहा है। चार दफ़ा नहीं होना चाहिए, इवन दो दफ़ा भी नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट में वो करा उन्होंने जानबूझ की, इसी वजह से कि डेवलपमेंट में अगर कोई चीज़ दो बार हो रही है ना, और उससे आपकी लॉजिक छिड़ती है, या दो बार होने की वजह से दो कनेक्शन बन जाते हैं, तो इसका मतलब आपके कोड में मसला है। वो डेवलपमेंट के टाइम पर दो बार घूमेगा वो, लेकिन कनेक्शन एक ही बनना चाहिए, कनेक्शन दो नहीं बनने चाहिए। ये आपके कोड में मसला है, इसका मतलब है। आप बताओ कैसे होगा ये, मैं बता चुका हूँ पहले एक दफ़ा। मैं एक दफ़ा पहले ये बात बता चुका हूँ कि ये किस तरह हल होता है। अच्छा देखो, सुनो, होता क्या है। होता ये है कि ये कंपोनेंट है ना, जब मैं होम पेज पे खड़ा होता हूँ तो ये कंपोनेंट लोड नहीं होता है उस वक्त। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ होम पेज पे। ठीक है, होम पेज पे हूँ मैं इस वक्त। मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, सारी ऐप केशे से ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी देखो, कोई कनेक्टेड लिखा हुआ नहीं आया। ठीक है, इसको मैं जितनी दफ़ा भी रिफ़्रेश करूँगा, कोई कनेक्टेड लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि अभी चैट का कंपोनेंट लोड ही नहीं हुआ। अच्छा, चैट के कंपोनेंट पे जब मैं जाऊंगा, ये क्लिक किया मैंने, पहली दफ़ा मैं चैट के कंपोनेंट पे चला गया, तो ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये कनेक्टेड एक दफ़ा, दो दफ़ा और तीन दफ़ा लिखा हुआ आया। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा। ये इतना कोड चला हमारा, दो तीन दफ़ा चला, जितनी दफ़ा भी चला, वो बात अभी थोड़ी देर में आते हैं उस पर। मैं क्या किया, मैं वापस आया, इसको मैंने क्लियर किया, मैं वापस होम पे गया। जो चैट का कंपोनेंट था वो अनलोड हो गया। मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, जब वो फिर लोड होगा चैट का कंपोनेंट। लिहाजा मेरे पास जब मैं नेटवर्क के टैब में आऊँगा ना, ये देख रहे हो कितने सॉकेट के कनेक्शन बन गए, ये सारे सॉकेट के कनेक्शन बने हैं इस वक्त, देख रहे हो। ये एक पेंडिंग, दो पेंडिंग, तीन पेंडिंग, चार पेंडिंग, ये चार कनेक्शन बने हुए सॉकेट के मेरे पास इस वक्त। इसको मैं क्लियर करूँगा, मैं होम पे जाऊँगा, वापस चैट पे आऊँगा, फिर कनेक्शन बन जाएगा नया एक। चैट पे, अभी मैं चैट पे जाता हूँ वापस। ये मैं गया चैट पे अगेन, तो यहाँ पे देखो एक कनेक्शन फिर इसने बना दिया, ये वाला पेंडिंग। सही है, एक कनेक्शन, ये एक और पहले का बना हुआ था वो दोबारा आ गया, ये एक और आ गया। ठीक है, मतलब एक दफ़ा जब मैं चैट के कंपोनेंट पे आता हूँ ना, तो वो चार चार पाँच पाँच कनेक्शन बना दे रहा है मेरे पास। अब इसका क्या हाल है, मसला समझ आ गया ना क्या हो रहा है। ये चैट का कंपोनेंट जब भी लोड होता है, एक नया कनेक्शन बनता है। अच्छा, इवन जब मैं चैट की स्क्रीन पे आ जाता हूँ तो भी क्या होता है कि चैट का कंपोनेंट लोड हुआ, पहली दफ़ा लोड हो गया। अच्छा, थोड़ी देर में क्या होता है, एपीआई से डेटा आ जाता है। ये ना यूज़ इफेक्ट में गेट चैट्स, कन्वर्जेशन पूरी उठ के आती है, तो कंपोनेंट क्या होता है, रीरेंडर। ये सारा आइटम दोबारा चलेगा, ये इतना कोड दोबारा चलेगा, फिर एक कनेक्शन बना देता है वो। दूसरी दफ़ा एक और, मतलब दो तीन एपीआई कॉल मारता हूँ ना मैं चैट की स्क्रीन पे आते ही, तो जितनी दफ़ा एपीआई का डेटा आता है उतनी दफ़ा मेरा चैट का कंपोनेंट रीरेंडर होता है। लिहाजा पहली दफ़ा ही जब मैं आता हूँ ना चैट के कंपोनेंट पर, तो चार कनेक्शन डायरेक्ट बनाता है वो। ठीक है, देखो अभी दोबारा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं होम पे गया, होम पे जाके मैंने क्या कर दिया, इसको रिफ़्रेश कर दिया। रिफ़्रेश करने से सब ख़त्म हो गया पीछे का, सही है, रिफ़्रेश करने से सब ख़त्म हो गया। अब मैं जब पहली ही दफ़ा जाऊँगा ना, तो चार
कनेक्शन बना देगा वो, क्योंकि वो जाते ही चार दफ़ा री रेंडर होता है। सही है, ये देखो एक दो तीन और ये चार, इसके ऊपर भी शायद एक दो होंगे, ये रहा पाँच और ये छः सात आठ, आठ कनेक्शन पहली ही दफ़ा आते ही इसने बना दिया। अब बताओ इस मसले का हल क्या है। ये हमने रिएक्ट जब शुरू शुरू पढ़ी थी उस वक्त ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था, अब जाके वो प्रैक्टिकल में यूज़ होगा हमारा। कंपोनेंट इसका बेहतर तरीका ये है कि कंपोनेंट जब भी री रेंडर होने लगे तो इसको क्लोज करवाएं, जो बने हुए कनेक्शन है उसको क्लोज करवाएं हम, है ना। तो उससे होगा ये कि जितनी दफ़ा भी ये कनेक्ट होगा, यानी जितनी दफ़ा भी कंपोनेंट लोड होगा, कंपोनेंट लोड होने पे कनेक्ट होगा ये, जब भी वो री रेंडर होने लगेगा तो वो डिसकनेक्ट हो गए फिर, तो लिहाजा वो जितनी बार भी री रेंडर हो जाए कनेक्शन एक ही रहेगा मेरा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक अदद यूज़ इफेक्ट इसको मैं बनाऊँगा, यूज़ इफेक्ट में एक अदद बनाऊँगा, सही है। और इसको जो कनेक्शन वाला काम है ना, ये इसको मैं क्या कर दूंगा, यूज़ इफेक्ट के अंदर कर दूंगा। अच्छा, जितने भी, ये सिर्फ सॉकेट की बात नहीं है, ये जितने भी ऑन वाले हैं डॉट ऑन, जिस पे इवेंट रजिस्टर होता है, हमने इवेंट्स को डिटेल में पढ़ा है इस क्लास के अंदर, ठीक है। अब जो उस क्लास में मौजूद नहीं था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पढ़ी भी होगी हमने। जावास्क्रिप्ट का जो चैप्टर नंबर शायद पता नहीं 50-56 कोई था, इवेंट्स था वो, तो इवेंट्स को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो जब भी कोई इवेंट रजिस्टर होगा, कोई भी इवेंट रजिस्टर होने वाला काम, तो उसको हम यूज़ इफेक्ट में करवाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में होगी और उसके बाद इसकी एक क्लीनिंग होती है, यहाँ पर रिटर्न करके हम एक क्लीनअप फंक्शन देते हैं, सही है, ये क्लीनअप फंक्शन कहलाता है। तो इस क्लीनअप फंक्शन के अंदर इसको मैं क्या करवाऊँगा, जितने भी इवेंट रजिस्टर किए हैं मैंने उन सबको अनरजिस्टर करवाऊँगा, ठीक है। कौन कौन से इवेंट रजिस्टर किए हैं मैंने, एक तो सॉकेट डॉट ऑन, ये मैंने रजिस्टर किया है, ठीक है। दूसरा सॉकेट इटसेल्फ को रजिस्टर किया मैंने, तो इन दोनों को मैं अनरजिस्टर करवाऊँगा। मैं बोलूँगा सॉकेट डॉट ऑफ, ठीक है, सॉकेट डॉट क्लोज, अभी तो फिलहाल चलो सिर्फ अभी कनेक्शन क्लोज करवाते हैं, अभी वो बाकी के हमें उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब ये कनेक्शन क्लोज होगा तो ये खुद ही वैसे अनरजिस्टर हो जाता है बाई डिफ़ॉल्ट ना, ये दोबारा कनेक्ट का मुझे नहीं देता। तो मैं इस तरह से करवाऊँगा, ये यूज़ इफेक्ट कब चलेगा, जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड होगा ये खुद चलेगा एक दफ़ा, ठीक है, खुद चलेगा ये एक दफ़ा। और जब भी मैं इस कंपोनेंट को छोड़ के जाने लगूंगा तो रिटर्न फिर एक दफ़ा चलेगा, ठीक है। लिहाजा अगर मैं मैसेजेस की स्क्रीन पे आता हूँ और मैं मैसेजेस की स्क्रीन से वापस होम पे जाता हूँ तो उसको अनरजिस्टर करके जाएगा, उस सॉकेट को फ़ौरन डिस्कनेक्ट करके जाएगा यहाँ से। अब आगे ज़रा इसको ज़रा फ़र्क देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट हो रहा है फ़र्क, ठीक है। इसको मैंने रिफ़्रेश कर लिया, ठीक है, यहाँ पर अभी कोई इस वक्त सॉकेट नहीं बनाया इसने, ठीक है। अभी ये अभी भी बना हुआ है क्या, क्या जगह से, अभी ये पता नहीं पुराने वाले बने हुए हैं शायद, डिसेबल केशे वेशे मार देते हैं। अभी ये पुराने बने हुए को मैं कैसे रोक देता हूँ, सर्वर ही रोक दिया मैंने, सही है, सर्वर रोक दिया मैंने। अबे ये क्यों बन रहा है एक वेब सॉकेट यहाँ पे, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये सॉकेट वो वाला नहीं है सॉकेट, ये सॉकेट पता है कौन सा है, ये NPM स्टार्ट करते हैं ना हम, तो इस पर भी एक सॉकेट बनता है, जब भी तो हम कोई चेंज करते हैं फ़ौरन ब्राउज़र पे दिख जाता है, तो ये वो वाला सॉकेट है, ये हमारा वाला सॉकेट नहीं है, सही है। मैं वैसे ही कन्फ्यूज हो गया, मैंने कहा ये सॉकेट कहाँ से आ गया। असल में हम NPM स्टार्ट जब करते हैं ना फ्रंट एंड के ऊपर, रिएक्ट के ऊपर, तो वो क्या होता है कि जब भी कोई चेंज करते हैं खुद रिफ्लेक्ट होता है ना, वो असल में खुद नहीं होता, वो पीछे एक सॉकेट उन्होंने सेटअप मारा हुआ होता है। तो वो वाला सॉकेट वो मुझे दिख रहा है, वो मेरा वाला सॉकेट नहीं है, ठीक है। मेरा वाला सॉकेट होता अगर तो यहाँ पे URL में क्या आता, लोकल होस्ट 5000 आता है ना, ये अभी 3000 आ रहा है, 3000 पे मेरा चलता है फ्रंट एंड। अच्छा, इसको मैं क्लियर मारता हूँ, ये लॉग आउट क्यों हो जा रहा है यार। अच्छा सही है, सही है, लॉग इन हो गया, सर्वर बंद किया हुआ था ना मैंने। अच्छा, तो अभी यहाँ पे कोई सॉकेट, एक तो ये 1011 आ रहा है, 3000 वाला जो है वो है ये, ठीक है, ये 3000 वाला सॉकेट है। इसके अलावा कोई और सॉकेट मेरे पास नहीं होना चाहिए यहाँ पे अभी, ठीक है, नहीं है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं जाऊँगा चैट की स्क्रीन पे, तो मेरे पास एक सॉकेट कनेक्शन होना चाहिए सिर्फ यहाँ पे बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉकेट कनेक्शन बने हैं पहले, ये देखो ये सॉकेट कनेक्शन बना था, लेकिन ये क्या हो गया, ये पेंडिंग नहीं है, ये कम्प्लीट हो गया, सही है। यानी चैट की स्क्रीन पे आते ही एक कनेक्शन बनाया उसने, लेकिन जब वो री रेंडर होने लगा तो उसको डिसकनेक्ट मार दिया उसने, और जब री रेंडर हुआ तो दूसरा एक और बना लिया, ठीक है। लिहाजा एक यहाँ पे देखो दूसरा भी बना है,
लेकिन ये भी पेंडिंग नहीं है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो सबसे है ना, ये पेंडिंग है। तो सिर्फ एक सॉकेट का कनेक्शन मेरे पास ऐसा है जो इस वक्त पेंडिंग है, यानी कि वो कनेक्ट है, इस पर डेटा आ सकता है, ठीक है। पेंडिंग का मतलब होता है कि कनेक्टेड है इस वक्त, तो इस पर डेटा आ सकता है। बाकी सारे क्या हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अब नो मैटर वॉट के यहाँ पे कनेक्टेड कितनी बार लिखा हुआ आता है, मेरे पास नेटवर्क के ऊपर मैंने उसको अच्छे से वेरीफाई कर लिया है कि एक से ज़्यादा नहीं बनता है मेरे पास, ठीक है। मैं दोबारा उसको जाता हूँ नेटवर्क पे और मैं एक दफ़ा नेविगेशन वगैरह करके उसको देखता हूँ कि अगर मैं मिसाल के तौर पर होम पे जाता हूँ, ठीक है, और होम पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा चैट की स्क्रीन पे जाता हूँ, तो पहले से जो बना हुआ सॉकेट था आया कि वो ख़त्म करके नया बनाता है या उसी को और कर देता है आगे, ठीक है। अभी भी मेरे पास पेंडिंग में सिर्फ एक ही आ रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो पेंडिंग में मेरे पास सिर्फ एक आ रहा है, बाकी सारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो लिहाजा मेरा ये वाला मसला क्या हो गया, हल हो गया, उसको क्लीन करवाने से हल हो गया मेरा ये वाला मसला, सही है। क्लीनअप का फंक्शन हमने देख लिया कि यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये क्लीनअप का फंक्शन नहीं लगाऊंगा तो भी मेरा मसला वहीं का वहीं अटका रहेगा। अच्छा, ये हो गया, कनेक्ट हो गया। अच्छा, कनेक्ट के साथ साथ ज़ाहिर है डिस्कनेक्ट पे भी मुझे चाहिए होगा कि भाई डिस्कनेक्ट हुआ है, जब ज़ाहिर है क्लोज़ कॉल करूँगा तो डिस्कनेक्ट होगा, वैसे भी सर्वर किसी वजह से क्रैश कर गया, कुछ हो गया तो डिस्कनेक्ट होगा। तो मेरे पास ना ये इवेंट्स हैं कनेक्ट के और डिस्कनेक्ट के ना, इवेंट्स हैं मेरे पास, तो मैं ये डिस्कनेक्ट वाला इवेंट भी यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। कनेक्ट का इवेंट लगा लिया मैंने, डिस्कनेक्ट का इवेंट लगा लिया। अब इन इवेंट्स पर कोई काम हो सकता है आप करवाएँ, हो सकता है कोई काम आप ना करवाएँ, बट ये इवेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे अवेलेबल होने की वजह से लिख दिया। आपके केस में अब आप देख लेंगे कि इससे आपने क्या करवाना है, ठीक है। अब जब मैं इसको क्या करता हूँ, होम पे जाता हूँ और मैं वापस जब मैसेज की स्क्रीन पे आता हूँ, तो आप देखें जब जब ये कनेक्ट होता है तो भी कनेक्ट बताता है, और जब ये डिसकनेक्ट होता है तो ये डिसकनेक्ट भी बताता है, ठीक है। ये डिसकनेक्ट भी बताता है कि भाई डिसकनेक्ट फ्रॉम सर्वर, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज मैंने हाथ से कॉल किया हुआ है अनलोड होने पे। अच्छा, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा भी बहुत सारे वो आ रहे हैं, उनको ज़रा मैं हटाना चाह रहा हूँ। एक तो स्टेट आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। मेरे पास कचरा बहुत ज़्यादा हो गया कॉन्सोल में ना, ये भी कॉन्सोल हो रहा है, ये तो चलो एरर है, सही है। ये सेंड मैसेज को भी मैं रोक देता हूँ क्योंकि फ़ीचर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, ये सही है, इसको भी रोक देता हूँ मैं, इसको भी, चलो ये तो एरर को रहने देते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे वो आ रहा था, डेटा आना शुरू हो गया था, सही है। अभी सिर्फ सॉकेट वाला ही कनेक्ट डिसकनेक्ट रह गया, बाकी सारे को मैंने क्या कर दिया, रोक दिया। हाँ, ओके। अच्छा, जब मैं इसको लिख के कुछ सेंड का बटन दबाता हूँ जैसे ही, तो भी क्या होता है, सेंड का बटन दबाने से एक नया मैसेज आता है ना मेरे स्टेट के अंदर, तो भी मेरा क्या होता है, रेंडर होता है, री रेंडर होता है। तो उस री रेंडर पे भी आपने देखा क्या हुआ, ये कनेक्ट होकर दोबारा डिसकनेक्ट हुआ। मैं अगेन एक मैसेज लिखता हूँ यहाँ और हिट एंटर करता हूँ, तो आप देखें जितनी दफ़ा भी री रेंडर होता है ना, वो कनेक्ट डिसकनेक्ट खुद ही मार रहा है पीछे, तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब यार। लेकिन ये तीन दफ़ा किस खुशी में हो रहा है, दो दफ़ा तक तो चलो रिएक्ट खुद बोलता है कि होगा, तीसरी दफ़ा किस खुशी में हो रही है, पता नहीं कोई मैंने भंड मारा होगा अंदर। खैर, दो दफ़ा हो रहा है, हाँ वो तीन दफ़ा री रेंडर हो रहा है एक्चुअली। देख लेते हैं यहाँ पे क्या फ्लो है इसका। फ्लो इसका कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे फॉर्म में लिखता हूँ कुछ डेटा, डेटा लिखते हुए तो नहीं होता कुछ भी, अरे हाँ वो टॉगल रिफ्रेश भी तो मैंने मारा हुआ है, जिसकी मुझे ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, अभी मैं उसको हटाऊँगा क्योंकि अब रियल टाइम लगाने लगे हैं हम, तो उसको हटा दूंगा मैं भी। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं सर्वर पे। अब सर्वर पे वापस आके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे से कुछ डेटा मैंने भिजवाना है ज़ाहिर है। अच्छा, यहाँ पे कनेक्टेड भी लगा देता हूँ पहले, तो कनेक्टेड नहीं लगाओ ना यहाँ पे। मैंने कहा भाई आई ओ डॉट ऑन और कनेक्शन, इसका वो उठा के ले आते हैं ना वहाँ से फंक्शन। मैं वापस सर्वर पर जाता हूँ, सही है, सर्वर में मैंने कैसे लगाया हुआ है कि भाई सर्वर को भी तो पता लगे कि कौन कौन कनेक्ट हो रहा है। ये रहा ऑन कनेक्शन के ऊपर ना, ये ऐसे आ गया पूरा,
सही है। अब सर्वर से जब भी कोई नया क्लाइंट कनेक्ट होगा ना तो सर्वर को पता लग जाएगा, ये देखो सर्वर को पता लग गया कि न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। सही है, जब भी मैं सर्वर को मतलब रोक के जब शुरू करूँगा ना, जाहिर है सर्वर जब रुकता है तो वो फ्रंट एंड से जो तार कनेक्ट है वो डिसकनेक्ट हो जाती है, वो दोबारा ट्राई मारता है फिर तो वो दोबारा कनेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, जब जब कनेक्ट होता है उसको एक आईडी मिलती है ना, जाहिर है सर्वर से तो हज़ारों लोग कनेक्टेड हैं, तो सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, हर कनेक्शन को एक आईडी देता है। ठीक है, तो वो कनेक्शन जो है उस आईडी के थ्रू भी उसको मैसेज भेजा जा सकता है, उसी कनेक्शन को जाएगा, वो किसी और को नहीं जाएगा। तो लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो क्या करेंगे, उस आईडी के थ्रू मैसेज नहीं भेजेंगे फिलहाल। अभी हम क्या करेंगे, हम सबको भेजेंगे, चैनल पे डालेंगे हम। सही है, चैनल वाला हमने लास्ट डिस्कस किया था कि चैनल क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार आयो डॉट इमिट, सही है, इमिट फंक्शन है जिससे मैं क्या करता हूँ, सर्वर से इमिट करता हूँ। इमिट समझ रहे हो ना, इमिट का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है, हैं? नहीं मतलब अंग्रेजी में इमिट किस चीज़ को कहते हैं, किसी जगह से निकलना, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड होता है ना, कि जी वो एलईडी को हम कहते हैं वो लाइट इमिट हो रही है ना, जैसे कोई बल्ब ऑन होता है तो उसमें से जो रोशनी निकल रही होती है उसको इमिट कहते हैं हम ना, उस फिनोमेना को हम इमिट कहते हैं। ठीक है, कि कहीं से इमर्ज हो रही है कोई चीज़, तो समझ लो अभी सर्वर से ना एक रोशनी निकल रही है, एक आवाज़ निकल रही है, एक वेव निकल रही है जो जिसको सब लोग सुन सकते हैं। सही है, जिसको ज़ाहिर है जब लाइट जलती है तो सब लोगों को दिख रही होती है वो। ठीक है, मतलब कोई अगर लाइट की तरफ देख रहा है तो उसको दिखेगी, कोई आँख बंद कर ले तो उसको नहीं दिखेगी। तो ना इमिट इन्होंने मतलब बहुत अच्छा नाम रखा है इस सेंस में कि इसमें एग्जैक्टली यही हो रहा होता है कि जब मैं इमिट करके कोई चैनल के ऊपर चीज़ डालता हूँ ना, तो जो भी उस चैनल की तरफ देख रहा होता है उसको वो दिख जाता है। जैसे यहाँ पे अगर एक लाल रंग की छोटी सी एलईडी लगी हुई हो, ठीक है, जैसे गाड़ी में होता है ना, गाड़ी के डैशबोर्ड में भाई लो फ्यूल पे एक बत्ती जल जाती है, तो अगर वो बत्ती वहाँ पे जल रही है, अब कोई उसकी तरफ देखेगा तो उसको पता लग जाएगा, चाहे वो पीछे पैसेंजर ही क्यों ना हो, वो देखेगा उसको पता लग जाएगा फ्यूल कम है, जो नहीं देख रहा तो नहीं देख रहा। ठीक है, बट वो पब्लिक है, सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए वो। तो ये इमिट का भी वही हिसाब किताब है, ये इमिट कर रहा है एक्चुअली। अच्छा, इमिट का क्या था यार फंक्शन, इमिट कह रहा है कि जो है ना, मुझे क्या दो आप, इवेंट दो, स्ट्रिंग में दो। मैंने कहा कि यार टॉपिक वन, सही है, टॉपिक वन दे दिया मैंने, कॉमा कॉमा करके, यार इसको देख लेते हैं यहाँ पे। सही है, टॉपिक वन करके मैंने कोई भी डेटा इसमें दे दिया, तो इस टॉपिक पे ये डेटा चला जाएगा। आ जाओ भाई, मैंने कहा भाई सम डेटा, और सम डेटा के अंदर मैं सिर्फ सम डेटा नहीं रखवाता हूँ, इसमें मैं वो भी रखवा देता हूँ ना, टाइम रखवा देता हूँ, ताकि मुझे पता चले ना कि वाकई डेटा, वरना स्ट्रिंग एक जैसा आएगा तो फील नहीं होगा फिर कि अच्छा वाकई सर्वर से आ रहा है कि यही घूमे जा रहा है वापस। तो मैं इसके अंदर क्या रखवा देता हूँ, इसमें टाइम रखवा देता हूँ मैं, न्यू डेट डॉट गेट टाइम। सही, गेट टाइम से मिली सेकंड आता है, क्या आता है, इसको मैं कर देता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ टू लोकल स्ट्रिंग। लोकल स्ट्रिंग से पता है क्या होता है, लोकल स्ट्रिंग से ये होता है कि जो है ना, यानी जिस मशीन पे मैंने इस डेट को गेट किया है उसी मशीन के अंदर जो टाइम जोन सेट होता है ना, उसके हिसाब से ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट मार देता है। ठीक है, तो अभी तो ये सर्वर मेरी ही मशीन पे चल रहा है एक्चुअली, तो मैं लोकल स्ट्रिंग मारूँ जो भी मारूँ एक ही बात है। ठीक है, ये टॉपिक है, असल में इसके दो पैरामीटर्स हैं, देखो डॉट इमिट है ना, इसके दो पैरामीटर्स हैं। सही है, दोनों स्ट्रिंग हैं, ये जो आयो डॉट इमिट है ना, इसके दो पैरामीटर्स हैं, पहला वाला भी स्ट्रिंग है, दूसरा वाला भी स्ट्रिंग है। सही है, ये मैंने टेम्पलेट बना के दे दिया, ये मैंने प्लेन स्ट्रिंग लिख दिया। पहला वाला टॉपिक है, यानी कि चैनल है, आप लास्ट क्लास में थे, थ्योरी जो डिस्कस कर रहे थे, तो ये चैनल है, इसको बल्कि चैनल ही कर देता हूँ ना मैं, चैनल वन। सही है, चैनल वन है ये। ठीक है, ये समझ लो एक जर्नल किस्म का चैनल है, इस पर जर्नल किस्म का डेटा आता है, तो इस पर कुछ डेटा यहाँ से आ रहा है और इमिट हो रहा है ये। ठीक है, डॉट आयो। अच्छा, ये वाला फंक्शन कब चलेगा, ये वाला फंक्शन कब चलेगा, बिग पिक्चर में देख लो इसको कहाँ खड़ा हुआ है ये सिर्फ इससे एन पहले खड़ा हुआ है ये वाला फंक्शन। चलो मैं बता देता हूँ कब चलेगा, जैसे ही मेरा सर्वर रन होगा ये फंक्शन एक दफ़ा चल जाएगा,
और एक दफ़ा रियल टाइम पे डेटा इमिट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सर्वर अभी भी चला है, अभी तो मेरा क्लाइंट कनेक्ट भी नहीं हुआ होगा, क्लाइंट को कनेक्ट होने में भी कुछ 1-2 मिलीसेकंड लगते हैं, 200-300 मिलीसेकंड तक लग जाते हैं, तो इतने में वो इमिट विमिट करके ख़त्म कर चुका होगा। लिहाजा ये मुझे बार बार चलवाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो सेट टाइम आउट लगा के ना इसको थोड़ा डिले करवा देता हूँ। सही है, सेट टाइम आउट लगा के मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा डिले करवा देता हूँ कि यार फ़ौरन नहीं चलो भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बच्चा हमारा कनेक्ट हो जाए फिर चलना। सही है, सेट टाइम आउट में मैंने इसको डाल दिया। सेट टाइम आउट सब लोगों को पता है क्या करता है, और मैंने इसको बोला कि यार 3 सेकंड बाद आपने चलना है, यानी सर्वर मेरा जैसे ही चल के स्टार्ट होगा तो उसके ठीक 3 सेकंड बाद ये एक दफ़ा ना टाइम यहाँ से भेज देगा और ख़ुद चला जाएगा ये टाइम सर्वर से ना। ठीक है, अच्छा अब फ्रंट एंड के ऊपर मुझे ये चीज़ पकड़नी होगी, क्योंकि फ्रंट एंड पे जब तक मैं लिसनिंग नहीं करूँगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, फ्रंट एंड पे मुझे लिसनिंग लगानी होगी। अच्छा, ये लिसनिंग मैं कैसे लगाऊँगा, आ जाओ फ्रंट एंड के कोड पे। फ्रंट एंड के कोड के ऊपर ये जो मेरा यूज़ इफेक्ट था ना, जिसके अंदर मैं इसको कनेक्ट करवाता हूँ, ये वाले को मैं कनेक्ट करवाता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है, और क्या था मेरा चैनल वन और कॉमा एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ क्या मिलेगा, इवेंट। एक मिनट यहाँ पे हाथ रख के देख लेता हूँ, हाँ लिसनर के अंदर मुझे एक इवेंट मिलेगा। क्या चल रहा है यहाँ, अच्छा तो अब मैंने क्या कर दिया, चैनल वन पे क्या कर दिए, लिसनिंग लगा दिए। सही है, तो अब मेरे यहाँ पे जैसी सॉकेट कनेक्ट होता है, वो तो सर्वर तो पहले से चल रहा था, उसने तो भेज के ख़त्म कर दिया था, अब मैं जैसी जाके सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा ना, तो यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो आ जाना चाहिए। सही है, सर्वर को रीस्टार्ट कैसे करूँगा, जस्ट कंट्रोल एस दबा दूँगा यहाँ पे, एक्चुअली सर्वर में जाके कंट्रोल एस दबाऊँगा ना, तो ये क्योंकि मेरे पास वो लगा हुआ है, 3 सेकंड बाद देखो यहाँ डेटा आ गया खुद ही। अच्छा, मैं सेट टाइम आउट नहीं, एक्चुअली अब मैं इसमें लगाऊंगा सेट इंटरवल। सही है, सेट इंटरवल, और मैं सेट इंटरवल पता है सब लोगों को क्या काम करता है, तो मैंने कहा हर 1 सेकंड पे सेट, अभी इसको क्या करेगा, हर 1 सेकंड पे चलाता ही जाएगा अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, है ना, सेट इंटरवल यही करता है। तो मैंने सेट इंटरवल कर दिया, मैंने कहा हर 1 मिनट बाद ना चैनल वन पर टाइम बताना है आपने, जैसे जब ये फौजियों का भी होता है कि जब फौजी अपने अपने उस पर तैनात होते हैं ना, तो रोज़ सुबह 9 बजे एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें वो वेदर की अपडेट देते हैं, आज के दिन करना क्या है वो बताते हैं। सही है, वो इस तरह एक सर्टन चैनल होता है, उस पर सुबह शाम की एक अपडेट्स आती हैं, क्योंकि मोस्टली जहाँ पे ये मतलब लॉ इन्फोर्समेंट के लोग तैनात होते हैं, बॉस मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट वगैरह के फ़ोन के सिग्नल नहीं आते वहाँ पे, तो उनको नहीं पता होता कि शहर में क्या हो रहा है। ठीक है, बॉर्डर पे उनको जो वायरलेस पे बताया जाता है उनको वही पता लगता है, तो शहर में अगर कोई अहम इवेंट हुआ है तो वो बता देते हैं। ठीक है, जैसे कल वल कोई मैच वैच हुआ था तो उसको बता देते हैं कि भाई ये फलां जीत गया था मैच। ठीक है, तो उनको एक दिन बाद ये सुबह 9 बजे की अपडेट्स, यानी काइंड ऑफ एक रोज़ सुबह 9 बजे ना ये खबरनामा चलता है उनके पास चैनल के ऊपर, तो ये काइंड ऑफ समझ लें कि वो खबरनामा है, लेकिन ये हर 1 सेकंड पे चल रहा है। ठीक है, हर 1 सेकंड पे आप देखो यहाँ पे टाइम आता ही जा रहा है, 9:13, 14 सेकंड ये टाइम आता जा रहा है मेरे पास, ये रियल टाइम में क्या आ रहा है, सर्वर से टाइम आ रहा है मेरे पास। अच्छा, लेकिन मैंने इस तरह तो नहीं करना, ये वाला काम तो नहीं करना मैंने, मैंने तो जब करना है ना, जब कोई इवेंट होगा तो मुझे भेजना है। ये भी कर सकता हूँ मैं, ये भी जैसे मिसाल के तौर पर स्टॉक का डेटा जो होता है, जैसे बाइनेंस खोलते हो ना जब, तो बाइनेंस में वो रियल टाइम में अपडेट, तो वो इसी तरह हो रहा होता है एक्चुअली। ठीक है, समटाइम हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं, जैसे कोई IoT का सेटअप है, अगर IoT मशीन्स का, तो उसमें अगर कोई मशीन है जहाँ से मुझे टेम्परेचर मिलता है और मैंने वो किसी डैशबोर्ड पे अगर डिस्प्ले करवाना है, तो उस मशीन से भी मुझे क्या होता है, रियल टाइम सॉकेट के ज़रिए मिल रहा होता है। वो मशीन क्या करती है, हर 1 सेकंड बाद पोस्ट करती है, और मैं सॉकेट लगा के उसको डैशबोर्ड के ऊपर ऐसे ग्राफ की तरह बना के डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, स्कोर जैसे आ रहा होता है। ठीक है, तो स्टॉक का डेटा हो गया, इस तरह की कोई रियल टाइम रीडिंग्स हो गई, तो वो मुझे इस तरह करवाना होता है सॉकेट के ज़रिए। मैं उसको कंटिन्यूस भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में, क्योंकि 2 लोगों की कन्वर्सेशन चल रही है,
तो मुझे ये काम नहीं करवाना है, सही है, मुझे ये वाला काम नहीं करवाना है। अच्छा, तो मुझे करवाना क्या है फिर? मुझे करवाना ये कि जब कोई मैसेज भेजे तो करवाना है, सही है। अच्छा, कौन मैसेज भेज रहा है? मैं मैसेज भेज रहा हूँ, किसको भेज रहा हूँ? जम्बो डम्बो, जो मेरा जिस अकाउंट से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, आई एम जम्बो जिसने बोला। तो जब मैं कोई मैसेज इसको भेजता हूँ, ठीक है, जब मैं कोई मैसेज इसको भेजता हूँ तो एक रियल टाइम इवेंट जनरेट होना चाहिए जिसको ये सामने वाला अकाउंट जो है ना जम्बो, ये सुन रहा हो। तो ये जैसे ही वो इवेंट सुनेगा, या तो दोबारा एपीआई खुद कॉल कर लेगा, जो टॉगल रिफ्रेश है वो, या तो दोबारा खुद कॉल कर लेगा, या तो मैं उस इवेंट के साथ ही थोड़ा सा जेसन डाल के भेज दूँ कि ये मैसेज आया भाई, देख लेना उसको, ठीक है। और इसी तरह वाइस वर्सा कि अगर ये जम्बो मुझे कोई मैसेज भेज रहा है, तो जब वो सर्वर पे वो जो मैसेज भेजने वाला फंक्शन चले ना, तो वही देख लेगी ये मैसेज किसको भेजा जा रहा है, और एक ऐसे चैनल पे डेटा डाले कि वो मैं लिसन कर रहा हूँ पहले से, और मेरे पास वो डेटा आ जाएगा, ठीक है, डेटा आ जाएगा या ट्रिगर आ जाएगा, मैं खुद एपीआई कॉल कर लूँगा, मुझे पता लग जाए ना कि अच्छा कुछ हुआ है पीछे, तो मैं एपीआई तो मैं खुद भी कॉल कर लूँगा, एपीआई का इशू नहीं है। इशू ये है कि वो नोटिफिकेशन, वो पिंग, वो पुश मुझे मिल जाए, है ना, पुश का इवेंट मिल जाए मुझे कि हाँ यार कुछ हो गया सर्वर पे, तो अब वरना तो मैं हर ऐसे कॉल करता रहूँगा कुछ हो ही नहीं रहा, मैं रिफ्रेश करता रहूँगा कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इस इंटरवल वाले को हम रोक देते हैं, इस इंटरवल को, ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की हद तक सही था, सही है, डेमोन्स्ट्रेशन किया था, इसको मैंने रोक दिया, लिहाजा मेरे पास क्लाइंट पर ये मैसेज आना भी अब बंद हो गया। अच्छा, अब मैंने करना ये है कि ये जो मेरे पास आयो है ना, ये वाला आयो, ठीक है, ये मुझे चाहिए उधर मेरे जो कौन सी वो एपीआई था मेरा यार, राउट्स के अंदर जाके चैट। अच्छा, यहाँ पे ये इवेंट किधर कौन से भी ट्रिगर करेगा, पोस्ट मैसेज के ऊपर, है ना, जैसे मैं जब मैसेज पोस्ट करूँगा सर्वर के ऊपर किसी भी, अच्छा मैं मैसेज पोस्ट करते हुए बताता हूँ कि मैं ये मैसेज किसको भेज रहा हूँ, और वो एक्चुअल मैसेज भी बताता हूँ साथ में कि मैसेज भेज के आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ना सिर्फ उसको डेटाबेस में सेव करवाऊँगा, बल्कि जिस बंदे को भेजा जा रहा है उसी बंदे के नाम से एक चैनल बना दूंगा मैं, और उसके ऊपर मैं डेटा भी पोस्ट करता रहूँगा, ठीक है। अभी हम इसको सिक्योर विक्योर नहीं कर रहे फिलहाल, सिक्योरिटी का गेम अलग है वो, अभी हम जस्ट ये समझ रहे हैं कि उसको मैसेज भेजें कैसे आकर, ठीक है। तो कोई ये ना समझे कि अगर मैं उस बंदे के नाम का चैनल बना दे रहा हूँ तो वो सिक्योर है, क्योंकि ये आईडी किसी को पता लग गई अगर, तो वो उसको लिसनिंग लगा बीच में लगा सकता है वो, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक है अभी तक सारा कुछ जो भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले तो वो आईओ ऊपर चाहिए, तो मैं आईओ को सबसे पहले तो यहाँ पे इम्पोर्ट करा लेता हूँ, सही है, इम्पोर्ट आईओ फ्रॉम सॉकेट आईओ, एक्चुअली सही है, आईओ क्लाइंट नहीं, और मैं क्या कहता हूँ कि जब ये मैसेज सक्सेसफुली सेव हो जाए, ठीक है, ये इंसर्ट वन मैंने चलाया है यहाँ पे, ये सारा का सारा डेटा डाला, और ये सक्सेसफुली जब सेव हो जाएगा ना, तो ये क्योंकि अवेट की रिक्वेस्ट है, तो अगर ये इंसर्ट रिस्पांस तक ये पहुँच जाता है, अच्छा ये मैंने पहले ही लिखा हुआ यहाँ पे आई ओ डॉट इमिट, सम चैनल की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, उस बंदे की आईडी लगा दूंगा, उस नाम से एक चैनल नया बना दूंगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वायरलेस में क्या होता है, 10 ही चैनल होते हैं, मेरे पास अनलिमिटेड नंबर है, मैं कुछ भी लिख के चैनल बना दूं बन जाएगा, कोई फ्रीक्वेंसी की लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लिखूंगा मैं, उस नाम से चैनल बन जाएगा। तो मैं कह देता हूँ कि यार रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू आई डी, सही है, टू आई डी मैंने यहाँ पर लगा दी, कि जो टू की आई डी थी ना, मैं उस चैनल पे एक इवेंट भेज रहा हूँ, और भेज के आ रहा हूँ जो भी मैसेज आया वो मैसेज भेज रहा हूँ, सही है। या मैं ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ, मैं पूरा ऑब्जेक्ट भेज दूँगा यार ये पूरा मैसेज आप ले जाओ, सही है। वेल, अभी देखते हैं कि फ़िलहाल तो सिर्फ अभी ये सिंपल सा मैसेज एक चला जाए ना, अच्छा भाई अब इसमें एक एरर आ गया, एरर इसमें ये आ गया कि यार ये जो आयो है ना, ये कौन सा आयो है, वो तो मैंने कनेक्शन तो यहाँ पे बनाया था, अब उस कनेक्शन को मैं यहाँ पे कैसे लाता था वो मैं भूल गया, वो कनेक्शन तो यहाँ पे मैंने बनाया था क्रिएट सर्वर करके, न्यू सॉकेट करके मैंने बना दिया था ना यहाँ,
आओ चैट जीपीटी से। हैं यार हाँ फाइल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है, मैं अभी भूल रहा हूँ। आओ ना इससे पूछते हैं चैट जीपीटी से। अबव आई हैव क्रिएटेड आयो ऑब्जेक्ट इन माई एक्सप्रेस सर्वर, सही है। हाउ डू आई यूज, हाउ डू आई यूज इट टू इमिट इन अदर फाइल्स इन माई एक्सप्रेस ऐप, सही है। अब ये मुझे बता देगा कोई पॉसिबल तरीका, जो भी होगा उसमें से जो भी मुझे मुनासिब लगेगा वो मैं लगा दूंगा। अच्छा ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट करके आप उसको उठा लो। अच्छा एक और इसने तरीका बताया, इसने कहा एक ग्लोबल वेरिएबल बना लो पहले से ही, उसमें इसको रखवा दो आईओ को, तो वहाँ से भी मिल जाएगा आपको ये। और चलो इसने दो तरीके बताए हैं, इन दोनों में से कोई एक ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। अच्छा यहाँ से अगर मैं किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करता हूँ ना, असल में मैं एक्सपोर्ट करने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि अगर मैं यहाँ से किसी चीज़ को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अगर, तो हाँ वो सर्कुलर डिपेंडेंसी वाला इशू क्रिएट होता है अगर मैं यहाँ से किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करता हूँ तो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये शायद करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये वाली मेन फाइल है, मैं सारी फाइलों को इंपोर्ट करके इधर लाता हूँ ना, यहाँ सारी फाइलों को इंपोर्ट करके इधर लाता हूँ मैं। अब यहाँ से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होगी और उसको मैं किधर किधर मैं गेट कर रहा, चैट राउटर में, है ना। अब चैट राउटर तो खुद इंपोर्ट होकर इधर आ रहा है, अब यहाँ से कुछ इंपोर्ट होकर चैट राउटर में जा रहा होगा, तो वो होगा ये चक्कर कि पहले ये आए या पहले वो आए, हैंडल हो जाता है ये, ऐसा नहीं है कि हैंडल नहीं होता, लेकिन सर्कुलर डिपेंडेंसी में ना एक एक्स्ट्रा हेडेक होता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। वो जब ना तब बोलता है कि अच्छा मुझे ये सही नहीं है, मुझे आप सही करो, कोई चीज़ पहले हो गई कोई चीज़ बाद में हो गई, तो उससे उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम सर्कुलर डिपेंडेंसी का इशू कहते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर जो है ना होना शुरू हो जाएगी ना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक प्रॉम्प्ट मैं और चलाता हूँ, आई थिंक कि मैं प्रॉम्प्ट ज़रा उसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ मैं, क्योंकि गूगल करने का यार अब ये नया तरीका है, मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ दिलो जान से कि गूगल करने का ये नया तरीका है। गूगल से सर मारता हूँ, जवाब सही नहीं मिलता, देर से मिलता है। हाँ बिंग चैट वो क्या चीज़ है पता नहीं, वो मैंने नहीं चलाया यार। नहीं थ्री भी सही है भाई, थ्री सबसे सही है, थ्री सबसे सही है। फोर वाला मैंने बहरहाल यूज़ नहीं किया अभी इतना ज़्यादा, लेकिन फोर में ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सियाणा है, वो इंटरनेट एक्सेस तो है लेकिन वो, असल में मेरी एक थ्योरी है ना, आई एम नॉट श्योर कि वो किस हद तक सही है। मुझे जब मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी 3.5 जो बन गया वो बन गया, इसके बाद अब जितने भी मॉडल बनेंगे ना उसमें नॉइज़ होगी। नॉइज़ क्यों होगी उसके अंदर, कि चैट जीपीटी 3 से जो लोगों ने आर्टिकल शार्टिकल लिखे ना दबा दबा के, तो वो इंटरनेट पर कचरा कर दिया उन्होंने पूरा, सही है। और वो अब जितने भी आने वाले नए मॉडल जो ट्रेन होंगे उसके अंदर वो नॉइज़, बावजूद इसके कि इन्होंने वो सारा सेव किया हुआ था, बावजूद इसके कि इन्होंने वो सारा सेव किया हुआ है, जो जो प्रॉम्प्ट का जवाब दिया ना इन्होंने आज तक, वो सारा सेव किया हुआ है, और वो जब डेटा नया उठाते हैं तो उसको सेपरेट मारते हैं। लेकिन कोई मतलब मेरे और आपके जैसा बंदा है, उसने वहाँ से लिखवाया और उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और थोड़ा सा मॉडिफाई करने से तो वो मैच थोड़ी करेगा, वो तो एग्जैक्ट मैच पे करेगा या 80% मैच पे करेगा। अब उसने अगर 50% तक पहुंचा दिया मैच उसका चेंजेस करके, तो वो तो नहीं मैच करेगा फिर, वो तो जेन्युइन समझेगा उसको। और बंदे ये कर रहे थे, बंदे ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि बंदों को पता था कि मीडियम पे और इस पे उस पे ना ये सब ने चेक लगा दिया था थोड़े दिनों में, कि AI जनरेटेड होता तो उसको डाउन कर देते थे वो। तो लोगों ने क्या किया, खूब दिमाग लगाया उसके ऊपर कि आर्टिकल लिखवा दे चैट जीपीटी से, थोड़ा थोड़ा उसमें वर्ड चेंज मारते थे। छोटी छोटी ऐप्स इस तरह की बहुत सारी हैं, जो एक वो है ना टर्निटिन, जिस पे असाइनमेंट सबमिट करते हैं हम, तो बच्चे सारे उस पे असाइनमेंट सबमिट करवाते थे, तो वो प्लेजलिज्म को कम करने की ऐप्स तो बनी हुई हैं, एंटी टर्निटिन जो है वो तो बनी हुई थी। तो वो क्या करते थे, आर्टिकल लिख के उस ऐप पर डालते थे,
और उस ऐप पे डाल के उसके प्लेजलिज्म कम करने वाली तरीके से उसको करके और फिर मीडियम पे डालते थे, वो पकड़ नहीं पाता था फिर। तो इस तरह करके लोगों ने लाखों डॉलर कमाए हैं। लाखों डॉलर बहुत बड़ी बात होती है। तो यानी कलेक्टिवली इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं सब लोगों ने मिलके। अब वो जो नॉइज़ क्रिएट हो गई है ना, वो उसका मेरे हिसाब से तो कोई भी हल नहीं है। क्या उसको एक एक कर, अच्छा फिर उसमें वो हलूसिनेशन होगी, हलूसिनेशन उसके अंदर करता है ज़ाहिर है, तो उसमें हलूसिनेशन होगी, उसमें गलत डेटा होगा, बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से ना जो आने वाले सब सीक्वेंट जितने भी अब एल्गोरिथम होंगे उसमें वो कोई ना कोई नॉइज़ होगी। यानी 2021 से पीछे पीछे के डेटा पर ट्रेनिंग सही होगी। अब ये एक वो चीज़ हो गई है जिसका कोई रिवर्स नहीं है, है ना। मिसाल के तौर पे जैसे ये सिर्फ इसमें नहीं हुआ, ये बहुत चीज़ों में हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ों में हुआ है। ये जो लोहा है ना हमारा लोहा, आपको पता है आज का जो लोहा है और जो 1980 और 1940 से जो पहले का लोहा था उसमें एक डिफरेंस है। उसमें एक डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो है ना रेडिएशन है, इस इन्वायरमेंट में इस वक्त रेडिएशन मौजूद है। जो ये एटमी धमाके वमाके हुए हैं और जब से ये यूरेनियम दरियाफ्त हुआ है ना, ज़ाहिर जब वो यूज़ होता है और वो जब होता है तो वो ज़ाहिर है एटमॉस्फेयर में वो शामिल होता है। तो हमारे पास ना एक सर्टेन लेवल की रेडिएशन मौजूद है जो 1940 में नहीं थी, ये जब यह हिरोशिमा वगैरह जो फटा था ना उससे पहले ये नहीं थी। तो हमारा जो लोहा है ना वो उसमें रेडिएशन शामिल हो गई है। यही वजह है कि 1940 से पहले यानी प्री वर्ल्ड वॉर टू जो है, तो प्री वर्ल्ड वॉर टू पहले तो क्योंकि जहाज़ों में सफ़र होता था, पानी जहाज़ों में, तो चाइना, अभी आप पढ़ेंगे ना इंटरनेट पे तो चाइना उधर चक्कर मार रहा होता है। चाइना जो है ये अटलांटिक ओशियन और ये सारे ना इसमें सारे जहाज़ डूबते रहते थे और अंदर वो सारा मलबा पड़ा हुआ है। तो ये चाइना क्या कर रहा है, उस पर मंडलाता है, उसको स्कैन मारता है और उसको चोरी कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो पानी के अंदर है, उसमें रेडिएशन नहीं है। तो प्री वर्ल्ड वॉर टू का जो लोहा है ना उसकी बहुत वैल्यू हो चुकी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि सर्जिकल इक्विपमेंट हैं बहुत सारे जो जहाँ पे प्रिसिशन इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे ये वाला लोहा जो है ना मज़ा नहीं कराता है, वो वाला लोहा मज़ा कराता है। अब उसका कोई स्टेप बैक नहीं है उससे, वो अब उसमें लग गई रेडिएशन तो लग गई। जो जितना भी ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ लोहा था और जो मतलब बाहर पड़ा हुआ लोहा था उन सब में वो रेडिएशन आ गई है। ये जितने भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ब्रिज बने हुए हैं, ये सारे एटमोसफेयर से ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो बहरहाल अब मुझे उतनी डिटेल में तो नहीं पता कि उसकी वजह से हुआ क्या है, वो मसला क्या हो गया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अब ये लोहा मज़ा नहीं कराता। तो यही डेटा के साथ भी हो गया हमारे कि 2021 से पहले पहले जो है ना इंटरनेट जो था वो बड़ा क्लीन था, वो उसमें कचरा कुंडी नहीं थी, वो अब हो गई कचरा कुंडी, उसके अंदर बहुत कचरा है अभी। तो शायद मे बी क्या लिख रहा था वेल में यार, हाउ डू आई यूज सॉकेट आयो ऑब्जेक्ट इन होल एक्सप्रेस ऐप।
भाई इसने क्या बोला ये तो मेरे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। मैं अलग से गूगल करता हूँ ज़रा, ठीक है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। वेल तो इसका कोई जो है ना प्रॉपर तरीका नहीं है, सब लोग जुगाड़ से ही इसको कर रहे हैं, तो हम भी क्या करते हैं जो वन ऑफ दोज जुगाड़ जो है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। सही है, कुछ लोगों ने बताया कि भाई आप अलग से एक वेरिएबल बना लो, ग्लोबल वेरिएबल, और उसमें इस आईओ को आप रखवा दो, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं उसको एक्सपोर्ट कर दो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये जो ऐप डॉट गेट करके है ना, ये ऐप डॉट गेट, इसी में ऐप डॉट आईओ करके आप बना दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐप डॉट आईओ करके ना ऐसे उसमें इसको डाल देता हूँ। सही है, जब ये मेरा आईओ बनता है ना तो मैं कहता हूँ भाई ऐप डॉट आईओ और उसमें डाल देता हूँ। इक्वल्स टू आईओ, ऐप डॉट आईओ के अंदर मैंने डाल दिया उसको। अब मैं वहाँ जाके ज़रा अब ऐप डॉट आईओ से अगर गेट करता हूँ इसको, तो आया कि मुझे ये मिलता है। अब मुझे इसको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मगर वो ऐप तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ तो राउटर अवेलेबल है, राउटर में तो नहीं मिलेगा वो मुझे। ओके, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं कोर के अंदर, चुप करके। कोर का हमने इसी में वेरिएबल बनाया हुआ था ना, अच्छा कोर का इसमें नहीं बनाया हुआ था, वो फ्रंट एंड में बनाया हुआ था हमने। चलो एक कोर करके एक फाइल बना लेते हैं फिर हम। सही है, कोर डॉट एम जी एस। अब कोर डॉट एम जी एस में मैं क्या बना देता हूँ, लेट आयो इक्वल्स नल। सही है, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सही है, एक्सपोर्ट आयो को मैंने नल कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, जाके इसको सर्वर के ऊपर मैं इम्पोर्ट मारता हूँ, जो मेरी फाइल से जो जो चीज़ें बनी हुई हैं मैं कहाँ पे मारता हूँ इम्पोर्ट, यहाँ मारता हूँ। डॉट स्लैश कोर डॉट एम जी एस। सही है, आयो के अंदर मुझे ये मिलने लग गया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, जब यहाँ से आयो बनाता हूँ तो मैं क्या कर देता हूँ इस आयो को, ओके असल में अभी आयो करके बनाऊँगा तो ये एरर वैसे ही मार देगा, क्योंकि आयो के नाम से तो दो हो जाएगा ना फिर, एक ये वाला आयो है और एक वो वाला आयो है। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ कि एज सेव्ड आयो ग्लोबल आयो। सही है, ग्लोबल आयो ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने, मैंने कहा यार इस तरह से इसको कर लो आप, बल्कि इसका ओरिजिनल नाम ही वही रख देता हूँ यार, मैं इसको एज करने की क्या ज़रूरत है, ओरिजिनल नाम ही इसका मैं रख देता हूँ ग्लोबल आयो ऑब्जेक्ट। सही है, ग्लोबल आयो ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें रखवा दिया। अब ये ग्लोबल आयो ऑब्जेक्ट जो है मेरी पूरी ऐप में कहीं पे भी मैं इम्पोर्ट करके उसको इस्तेमाल करूँगा तो ये मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम चैट में, और चैट में आके इस ग्लोबल आईओ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं।
सही है, ग्लोबल आयो ऑब्जेक्ट। और इस ग्लोबल आयो ऑब्जेक्ट पे जब मैं मारूंगा इमिट, अब क्या मसला है इसको? कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट क्यों कह रहा है? ग्लोबल आयो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट तो नहीं बनाया था। लेट करके बनाया मैंने, कांस्टेंट तो नहीं है ये। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये कह रहा है कि ये ग्लोबल आयो ऑब्जेक्ट जो है ना ये कांस्टेंट है, हालांकि ये कांस्टेंट तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे मैंने कहीं। एक मिनट, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं नहीं, ये वैसे ही हो रहा है। अच्छा, किसी चीज़ को इम्पोर्ट करके जब हम लाते हैं तो वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है? किसी चीज़ को इम्पोर्ट करके लाने पे वो कांस्टेंट हो जाता है? नहीं, अच्छा नहीं, मैं समझ गया क्या करना है। वो हो सकता है हो जाता हो तो, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, इसको क्या मसला है? आयो इक्वल्स टू ऐसे नल कर दूंगा मैं, ठीक है? तो मैं कहूँगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट डॉट आयो, उस पर तो मसला नहीं करेगा ना, क्योंकि इवन कांस्टेंट अगर ऑब्जेक्ट होता है फिर भी उसमें चेंज हो जाता है अंदर। तो मैंने कहा कि डॉट आयो इक्वल्स टू आयो, अब तो सही हो गया, अब मसला नहीं है, अब सही है। बहुत जुगाड़ करके हमने ये किया। इसको करने का कोई बेहतर तरीका मौजूद होगा जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो वेल, जब वो पता लग जाएगा किसी को आप में से तो बता देना, मुझे पता लग गया तो मैं बता दूंगा। हाँ, अरे कर दूंगा यार। अच्छा ये, हाँ चलो देखूंगा मैं, कर दूंगा। अच्छा, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, अब इसके अंदर से आयो निकाल के मैंने यहाँ पे क्या करना है? इमिट मारना है ना। ग्लोबल ऑब्जेक्ट डॉट आयो डॉट इमिट। अच्छा, अब जाहिर है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर जो आयो है ना, ये शुरू में मैंने रखा है नल, तो इसको मैंने क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे एक यहाँ पे कंडीशन भी बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है? या इफ़ करके मुझे लगाना पड़ेगा इसके अंदर, अदरवाइज़ ये हो सकता है सम टाइम क्या करे, प्रॉब्लम भी करे, ठीक है? मैंने कहा कि भाई इफ़ ग्लोबल ऑब्जेक्ट डॉट आयो अगर ये मौजूद है तो क्या कर दें, यहाँ से इमिट कर दें, और इमिट करते हुए कंसोल भी लगा दें। इमिटिंग मैसेज टू, और टू के बाद यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, टू के उस बंदे का नाम लिख देता हूँ जिसको मैसेज इमिट कर रहा हूँ मैं, सही है? मैंने कहा कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, क्या था ये, टू, टू की सिर्फ आईडी है, नाम नहीं है मेरे पास, टू की आईडी, सही है? इस आईडी पे ये मैसेज इमिट कर रहा है, चलो ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ से, क्या होगा? अब मैसेज इमिट होगा। मिसाल के तौर पे जब मैं एक मैसेज करूँगा, सही है, तो मैं टू में जिसकी भी आईडी लिख के भेजूँगा उस बंदे के चैनल पे एक इमिट होगा मैसेज, ठीक है? मैंने यहाँ पे टू की आईडी में किसकी आईडी लिख के भेजी हुई है? अभी किसकी है? इस तरफ से मैसेज भेजूंगा तो ये किसकी आईडी है टू में? जंबो की आईडी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरा सॉकेट कनेक्ट हो चुका है, मेरे पास सॉकेट जस्ट कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ से एक मैसेज जब करूँगा, ऐसे लिख के एंटर करूँगा, तो सर्वर से क्या लिखा हुआ आएगा? सर्वर पे भी जैसे ना न्यू क्लाइंट कनेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि इमिटिंग मैसेज टू और जंबो की आईडी, ये लिखा हुआ आएगा। अभी जंबो उसको लिसन नहीं कर रहा है, मैं सेंड का बटन दबाऊँगा जैसे ही, ठीक है? यहाँ से मैसेज चला गया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए? इमिटिंग मैसेज टू, वो असल में दो दफ़ा मेरा वो रिफ्रेश हुआ है ना, इस वजह से वो पीछे चला गया। असल में यार इस कॉन्सोल को मुझे ना हटाना पड़ेगा, ये कॉन्सोल यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, इंसर्ट रिस्पॉन्स का ये कॉन्सोल है ना, इतना सारा इंसर्ट रिस्पॉन्स का भी है और गेट मैसेजेस का भी है, सही है? इंसर्ट रिस्पॉन्स को मैं रोक रहा हूँ, और ये गेट मैसेजेस पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्सोल आ रहे हैं। ये रहा गेट मैसेज के ऊपर ना, ये इतने सारे कॉन्सोल आ जाते हैं रिजल्ट्स करके, तो जिसकी वजह से मेरा सारा वो सब पीछे चले जाता है।
अब मैं अगेन एक मैसेज करता हूँ यहाँ से एंटर, डिकोडेड, ये डिकोडेड कहाँ से आ रहा है, ये सबको मुझे बंद करना होगा। डिकोडेड ये रहा, इमिटिंग मैसेज टू ये आ गया मेरे पास, ठीक है, इमिटिंग मैसेज टू मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस इमिट के ऊपर, अच्छा जब मैं मैसेज सेंड करता हूँ तो जिसको सेंड कर रहा हूँ उसके चैनल पे मैं एक इमिट मारता हूँ। अब इसी तरह जब कोई मुझे मैसेज करेगा, इसी फंक्शन से कर रहा है वो, तो मुझे इमिट होगा वो। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने चैनल के नाम पे, जो भी मेरी आईडी है, मुझे तो अपनी आईडी पता है ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपनी आईडी के ऊपर क्या कर लूँगा, एक वो लगा लूँगा, लिसनर लगा लूँगा, कहाँ पे, अपने फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। ये मेरा फ्रंट एंड आ गया। अब मैं इस पर, अभी फ़िलहाल मैं फ्रंट पे किस पे लिसन कर रहा था, मैं चैनल वन पे, लेकिन अब मैं किस पे लिसन करूँगा, स्टेट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, देख लेते हैं यहाँ पे क्या मैंने लगाया हुआ है, भूल गया हूँ मैं अभी, मेरा वो ये कॉन्टेक्ट्स ये आ गया, कॉन्टेक्ट्स डॉट जे एस ये आ गया, मैंने रिड्यूसर में करवाया, किस में करवाया, ये अंडरस्कोर आईडी है, सही है, अंडरस्कोर आईडी के नाम से मैं सेव करवाता हूँ, लिहाजा क्या होगा, स्टेट डॉट यूज़र डॉट और अंडरस्कोर आईडी ऐसे मुझे मिल रहा होगा। तो मैंने उस पर क्या करवा दिया, यहाँ पे लिसनिंग शुरू करवा दी। अच्छा, इसमें मैं नलिश भी ऑपरेटर भी लगा देता हूँ, ताकि अगर सम हाउ अगर वो नल वल आ जाए ना कुछ, तो मेरा कोड ब्रेक ना कर दे ये। और मैंने यहाँ पे कॉन्सोल पे क्या लगा दिया कि, अच्छा जाहिर है जब इसके इस चैनल के ऊपर कोई भी मैसेज आएगा तो मुझे क्या लिखा होना चाहिए, अ न्यू मैसेज फॉर यू, और इस ई के अंदर वो पूरा का पूरा इवेंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई इस वक्त लॉगिन करके बैठा हुआ है ये वाली ऐप क्या? अच्छा, एक काम करता हूँ मैं इनकॉग्निटो में इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई, ये जंबो वाली आईडी बताओ क्या है, jumbo@dumbo.com 1 2 3 4 5 6 इंस्पेक्ट, और ये कॉन्सोल, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसमें वो एबीसी है ना, दूसरा अकाउंट का नाम क्या है, एबीसी नाम है, तो एबीसी को मैसेज करता हूँ मैं यहाँ पे, ये एबीसी की पोस्ट आ गई, इसको मैंने मैसेज का बटन दबा दिया, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो उसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि जो है ना, जब मैं यहाँ से जंबो को मैसेज भेजता हूँ जब, तो जंबो के पास आया कि वो नोटिफिकेशन आ जाता है कि नहीं आ जाता, क्योंकि मैं फ्रंट एंड पे लिसनिंग लगा दी है, मैंने सर्वर से भी सब काम पूरा कर दिया है। मैंने कहा यहाँ पे से हाय जंबो एंटर, ठीक है, हाय जंबो एंटर किया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे अ न्यू मैसेज और हाय जंबो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है, बगैर रिफ्रेश किए आ गया ये। अच्छा, इस मैसेज के आने पर अभी मैंने कुछ काम नहीं करवाया, लिहाजा मुझे नया मैसेज यहाँ नहीं दिखता, ठीक है, सिर्फ कंसोल में ही दिखता। मैं यहाँ से जो भी कुछ लिख के भेजता जाऊँगा, सही है, जो भी कुछ लिख के भेजता जाऊँगा वो यहाँ दिखेगा, लेकिन वो इधर जब दिखेगा, जब मैं रिफ़्रेश करूँगा इस पेज को, ठीक है, जब रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ भी दिख जाता है, ठीक है। लिहाजा बात बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कि हमें क्या करना है, इस वाले इवेंट के ऊपर, इस वाले इवेंट के आने की सूरत में मुझे क्या करवाना है, मैसेज को दोबारा फेच करा लेना, मेरा मसला हल हो गया, ठीक है। बट एफिशिएंट वे ये होगा, एक तो ये मतलब बिल्कुल ही, मतलब अगर बिल्कुल ही लेज़ी बंदा है ना, तो उसके लिए तो ये है कि वो ये इवेंट पकड़े और इवेंट पे दोबारा मैसेज को फैच करवा ले, है ना, जो टॉगल रिफ्रेश करवा ले। लेकिन इसका अच्छा तरीका और मोर एफिशिएंट तरीका ये है कि जब ये इवेंट आए ना, तो उसी के साथ जो नया आने वाला मैसेज है वो पूरा ऑब्जेक्ट आए, और मैं दोबारा कोई API कॉल नहीं करूँ, मैं उसी को नीचे जोड़ दूँ जाके। आइडियल तरीका जो है वो ये है, ठीक है। तो हम वो करने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश कैसे करेंगे, अभी सर्वर से जो मैं भेजता हूँ वो मैं क्या भेजता हूँ, एक अदद स्ट्रिंग भेजता हूँ मैं, राइट। लेकिन अब मैं सर्वर से क्या भेजूंगा, यहाँ से जाके वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजूंगा, जो एक एक मैसेज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक मैसेज का जो ऑब्जेक्ट है मैं वो यहाँ से भेजूंगा। मेरे सर्वर पे मैं आ जाता हूँ, ये सारे मैं बंद कर देता हूँ जो है मेरे पास, ये यहाँ से मैं इमिट मारता हूँ ना, तो इमिट मारते हुए मैं प्लेन टेक्स्ट यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक है। अब मैं प्लेन टेक्स्ट नहीं भेजूंगा, अब मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा मैंने इंसर्ट किया है, ये जो इंसर्ट किया मैंने, ये इंसर्ट के रिस्पांस में मुझे ये पूरा का पूरा इंसर्शन पूरी हुई भी मिलती है, ये जो अभी अभी इंसर्ट हुआ है ना ऑब्जेक्ट, वो पूरा मुझे मिलता है यहाँ पे। तो मैं इसको ज़रा खोलता हूँ, और खोल के मैं इसको यहाँ पे कॉन्सोल में पहले तो देखने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं एक नया मैसेज, ये अभी तक आई क्यों रहा है यहाँ से, अच्छा जब मैं यहाँ से एक नया मैसेज हाई मारता हूँ, तो मुझे इंसर्ट का रिस्पॉन्स जो है वो क्या देता है यहाँ पे,
ठीक है, इंसर्ट रिस्पॉन्स ये रहा, इंसर्ट रिस्पॉन्स एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्टेड आईडी ये, ठीक है, इंसर्टेड आईडी ये दे रहा है, तो मुझे क्या करना है एक्चुअली, मुझे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए ना, आ जाओ चैट जीपीटी से बोलते हैं कि क्या इसमें हमें एक फ्लैग लगा के मुझे मोस्ट प्रॉब्ली देना पड़ेगा, जिससे मुझे वो आईडी नहीं देगा बल्कि पूरा ऑब्जेक्ट देगा, है ना, मैं उसको दोबारा अलग से क्वेरी मारूं, बेहतर ये कि मैं चेक कर लूं कि आया कि कोई इंसर्ट वन करते हुए कोई ऐसा फ्लैग दे सकता हूं मैं जिसको देने की वजह से मुझे रिस्पॉन्स में पूरा ऑब्जेक्ट दे दे बजाय सिर्फ की देने के, ठीक है। वेल, अगर मेरे पास इतना भी आइटम आ गया मेरे लिए है तो इनफ, वो इनफ इस वजह से है क्योंकि देखो क्रिएटेड ऑन पे मैं न्यू डेट मैंने यहीं से डाली है, बाकी सारी चीज़ें मुझे यहीं पे पता है, तो मैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट तो कर सकता हूँ, बट आई एम स्टिल लेजी। इन माई एक्सप्रेस मोंगो डीबी सेटअप आई गेट दिस रिस्पॉन्स ऑन इंसर्ट वन, इंस्टेड आई वुड लाइक टू हैव इंस्टेड ऑफ इंसर्टेड आई डी आई वुड लाइक टू हैव होल ऑब्जेक्ट दैट इज जस्ट इंसर्टेड, एंटर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। पूरा लिखता है ये, अच्छा ये कह रहा है फाइंड वन दोबारा ही चला लो आप, पता नहीं कुछ और ही कर दिया इसने। हाँ मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ उसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा फ्लैग मिल जाए ना कि वो खुद कर देगा काम, मुझे ना करना पड़े, करेगा तो वो भी इसी तरह। इंसर्ट वन रिटर्न द न्यूली इंसर्टेड डॉक्यूमेंट, सही है, यही तो चाहिए मुझे। रिकॉर्ड डॉट आई डी और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है, अच्छा अच्छा वो कह रहा है कि यार दो लाइन का तो काम है खुद ही कर लो। वो यही असल में यही है, वो रिकॉर्डेड जो है वो अंडरस्कोर आईडी और बाकी वो पूरा प्रोडक्ट मैंने अभी अभी लगाया ही है उसके ऊपर। सी डॉट इंसर्ट वर्ड माई डॉक्यूमेंट, ओके, इसने भी इसी तरह का एक जुगाड़ बताया है, लेकिन कोई फ्लैग नहीं बता रहा इस तरह का, कोई जो मैं ढूंढ रहा हूँ ना कि फ्लैग मिल जाए मुझे कोई। टू इंसर्ट ये आ गया, ऑप्शंस ये आ गया, अपसर्ट ट्रू, रिटर्न डॉक्यूमेंट आफ्टर, यस ये मैं ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गया, लेकिन ये मोंगोस का कोड है, ये मोंगो डीबी की लाइब्रेरी का कोड नहीं है ये, ठीक है। वेल स्टिल मैं ये वाला आइटम लगा के इसको ट्राई मारता हूँ कि ऑप्शंस में मैं क्या देता हूँ, ये रिटर्न आफ्टर देकर देखता हूँ इसको, अगर तो मुझे दे देता है ऑब्जेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं देता तो फिर अपना लेजीपना दूर करते हुए।
ठीक है, इंसर्ट वन में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होता है, नंबर वन पे वो डॉक्यूमेंट और नंबर टू पे इंसर्ट ऑप्शन देना होता है, ठीक है, जो कि मैंने इस वक्त कोई इंसर्ट ऑप्शन नहीं दिया उसको, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सही है, ऑप्शंस ऐसे करके मैं इसको एक्चुअली मैं इंसर्ट ऑप्शन बना देता हूँ, सही है, इंसर्ट ऑप्शन है ये, सही है, एंड लेट्स सी कि अब इसको ये क्या दे रहा होता है, ठीक है, वो न्यूली इंसर्टेड डॉक्यूमेंट मुझे देता है कि नहीं देता, एक्नॉलेजमेंट ही दे रहा है अभी भी ये, अच्छा एक चीज़ मैं अब और देख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया है कि इसमें ऑप्शन में मोंगोस कुछ इस तरह का प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ मोंगो डी बी इंसर्ट वन ऑप्शंस, सही है, इंसर्ट वन में क्या क्या ऑप्शन दे सकता हूँ मैं देख लूँ ज़रा एक नज़र अच्छी तरह उसको, ओके सिंटैक्स ये आ गया, इंसर्ट वन राइट कंसर्न और डॉक्यूमेंट, राइट कंसर्न और डॉक्यूमेंट, सही है, अभी तो इसी तरह का आता है, ठीक है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग आईडी फील्ड, बस खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, आ जाओ यार अब थोड़ा हाथ पैर हिला लेते हैं हाथ हिलाने का टाइम आ गया, अब दिमाग बहुत चला लिया लेकिन सम टाइम हाथ से कोड लिखना पड़ता है, ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगा, एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना जो मैं डायरेक्ट यहाँ देता था, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट करके बनाऊँगा मैं, कॉन्स्ट क्या इसको मैं बोलूँगा कि न्यू मैसेज, ठीक है, न्यू मैसेज इक्वल्स टू ऐसे करके यहाँ रखूँगा इसको, ठीक है ना, तो दिस इज़ एक्चुअली अ न्यू मैसेज जो कि मैं इंसर्ट करूँगा अभी डेटाबेस के अंदर, सही है, ये मैं डेटाबेस में इंसर्ट करूँगा, तो मैंने ये न्यू मैसेज को क्या कर दिया, यहाँ पे आके इंसर्ट वन में ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है, इंसर्ट वन में ऐसे लगा दिया मैंने, अब जो इंसर्ट वन का जो रिस्पॉन्स आएगा ना, ये न्यू मैसेज ही मैंने क्या करना है, इधर भी भेजना है मैंने, ये न्यू मैसेज ही मैंने इधर भेजना है, लेकिन इसको भेजने से पहले जब रिस्पॉन्स आएगा तो मैं बोलूँगा कि यार ये जो न्यू मैसेज है ना डॉट अंडर स्कोर आई डी ये हो जाए इंसर्टेड आई डी, ठीक है, तो लिहाजा ये जो ऊपर मैंने न्यू मैसेज को ऑब्जेक्ट बनाया था इसमें वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, जस्ट मैंने एक और चीज़ क्या ऐड कर दी अब इसमें अंडर स्कोर आई डी, क्योंकि अंडर स्कोर आई डी मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि जो फ्रंट एंड के ऊपर ना उस पर मैंने लॉजिक लगाई हुई है ना, उसके ऊपर मैंने अंडर स्कोर आई डी के ऊपर मैंने लॉजिक लगाई हुई है, तो अगर मेरे अंडर स्कोर आई डी मुझे नहीं मिला नए मैसेज में तो मेरा जो फ्रंट एंड है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि ये मैसेज मेरा है या सामने से वाले बंदे का, ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये अंडर स्कोर आई डी इसके अंदर चाहिए, अच्छा, और मैं अब क्या करता हूँ इस न्यू मैसेज को, पूरे के पूरे न्यू मैसेज को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे रख के भेज देता हूँ, बट ये न्यू मैसेज इस तरह भेजने से क्या चला जाएगा या मुझे एरर दे देगा, आई डोंट नो, आई थिंक कि इसमें चैनल और जो सामने वैल्यू है दोनों में स्ट्रिंग चाहिए होता है इसको, तो अभी क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके भेज देगा क्योंकि स्ट्रिंग इसको चाहिए होता है, ठीक है, लेट्स सी, मैं इसको हाय बोलता हूँ तो यहाँ पे क्या पहुँचता है इसके पास, अरे नहीं भाई मैसेज आ गया, पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, सही है पूरा ऑब्जेक्ट आ गया भाई, ऑब्जेक्ट जा सकता है यानी इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग का केस नहीं है, तो मैसेज आ गया मुझे, फ्रॉम आईडी आ गई, नेम आ गया, ईमेल आ गया, क्रिएटेड ऑन, जो जो चीज़ें आती थी वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, तो जस्ट मैंने अब क्या करना है, जस्ट मैंने ये करना है कि मेरे फ्रंट एंड के ऊपर मुझे ये मैसेज मिलना तो शुरू हो गया, बट इस मैसेज को मैं रखवाता किधर था, मेरे पास एक स्टेट थी, क्या नाम था उस स्टेट का, चैट के नाम से एक स्टेट थी मेरे पास, राइट, चैट के नाम से मेरे पास एक स्टेट थी, और जब मैं गेट चैट करता था तो मैं इस सेट चैट के अंदर इसको रखवाता था, इस तमाम की तमाम चीज़ को,
ठीक है। अच्छा तो इस एरे के शुरू में लगाऊं इसको मैं या आखिर में लगाऊं जो अभी मैसेज आया है? दोनों पे लगा के देख लेते हैं, शुरू पे लगने से सही लग गया। मुझे नहीं पता, मैंने उसको रिवर्स रिवर्स करके कुछ करवाया था प्रिंट, अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने कैसे करवाया था, लेकिन शुरू में और आखिर में दोनों में लगा के देख लेते हैं। जिस पे सही बिहेवियर होगा उस पे मैं छोड़ दूंगा उसको, ठीक है, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उसको किस वाले पे लगवाया था। अच्छा भाई कहाँ है मेरा यूज़ स्टेट? ये रहा मेरा ये यूज़ स्टेट यहाँ पर। तो जब यहाँ पर मेरे पास ये इवेंट आता है ना, ये इवेंट जो है, मैं बोलता हूँ कि यार सेट चैट और सही है, मैं कहता हूँ कि यार प्रीवियस डेटा और रिटर्न। अच्छा इसको मैं इसी तरीके से करवाऊँगा तो ये सही चलेगा, ये याद रखना। अगर वो सेट स्टेट प्लस प्लस करके कराना तो वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरह से होगा, ये प्रीवियस वाला करके होगा ये, ठीक है। अगर प्रीवियस नहीं किया तो वो सही नहीं होगा, मतलब चलो मैं कर देता हूँ पहले ऐसे, फिर बता देता हूँ क्या सीन था वो, ठीक है। एक तो ये हो गया ना, इसमें मैंने क्या करवा दिया, लास्ट में रखवा दिया उसको फ़िलहाल। अब देखता हूँ मैं लास्ट में रखवाने से क्या होता है। मैं इसको भी रिफ़्रेश कर देता हूँ और इसको भी रिफ़्रेश कर देता हूँ, दोनों को रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि वो पुराना ख़त्म हो जाए। अब मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, मैं ए बी ए बी ए बी करके बोलता हूँ यहाँ से एंटर। और यहाँ पे ये कहाँ पर आया, ना शुरू में आया ना आखिर में आया, ये क्या सीन था भाई? मैसेज तो आया है यहाँ पे नया, लेकिन इधर क्यों नहीं आया ये? सॉरी क्या, नहीं नहीं रेंडर भी हो रहा है, एंटर करता हूँ मैं तो ये री रेंडर होता है, जब भी तो ये सॉकेट डिस्कनेक्ट होता है दोबारा। अच्छा अगर मैं जंबो से उधर मैसेज भेजूं तो, कि मैंने जंबो से एक मैसेज भेजा उधर उधर, तो यहाँ पे भी मेरे पास ये मैसेज तो आ जाता है, वहाँ भी आ गए सारे मैसेज, वो तो रिफ़्रेश करने पे आ गए ना। यहाँ पे भी मैं रिफ़्रेश करूँगा तब तो आ ही जाएंगे वो, रिफ़्रेश करूँगा तब तो आ जाएंगे, ये आ गया, लेकिन बगैर रिफ़्रेश किए वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा मेरे। अच्छा देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा, सही है। अच्छा वो एक ही रीज़न हो सकता है उसका, वो रीज़न ये हो सकता है कि जो है ना, ये जो मेरा आने वाला जो नया आने वाला डेटा है वो कुछ मुख्तलिफ है पुराने वाले से शायद। तो मैं ये सेट कराने के बाद क्या कर देता हूँ, मैं सेट कराने के बाद कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये प्रीवियस को मैं कंसोल करा देता हूँ, सही है, कि वो जो मतलब ताकि वो पूरा एरे मेरे पास प्रिंट हो ना तो मैं डिस्टिंग्विश कर लूँगा कि आया कि वो ऐसा क्या डिफरेंस है जो उसके अंदर और इसके अंदर है। सही है, ये है मेरा पूरा का पूरा वो मैसेजेस का एरे, और इसमें जो अभी अभी मैसेज मैंने किया है वो ये वाला मैसेज किया है, इमेज यू आर एल नल। अच्छा अच्छा वो सबसे ऊपर वाला है, ये वाला वो मैसेज है जो मैंने अभी भेजा है, ठीक है। नहीं ये तो एस एस एफ करके है, ये वाला मैसेज है ना, वो तो इसमें है ही नहीं, ये क्या सीन हुआ? वो तो ये वाला मैसेज है, एस एस एफ करके है। नहीं पहले डेटा तो आ रहा है ना फ्रंट एंड पे, तो डिस्प्ले तो होना चाहिए। मैं ये करता हूँ कि मैं एक कंसोल में यहाँ पे मारता हूँ, एक कंसोल में यहाँ मारता हूँ, किसका, चैट का, चैट ही है ना यार जिसपे मैं मैप चलाता हूँ, देख लूँ यार एक दफ़ा, चैट पे ही मैप चलाता हूँ किसी और पे, हाँ चैट पे ही चलाता हूँ मैप तो मैं। सही है, इंडेक्स और ये चैट बलून में ईच मैसेज डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर आईडी और डॉट अंडरस्कोर आईडी, ईच मैसेज डॉट टेक्स्ट मैसेज, सही है सब कुछ इसी तरह है जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, वैसा ही है सब। और ये एरे ही है ना,
सेट चैट इज़ एरे, सही है। एरे को मैं जिस तरह से हैंडल कर रहा हूँ, क्या मैं सही तरह से हैंडल कर रहा हूँ? एरे को इसी तरह हैंडल किया जाता है। अरे यार क्या गलती है इसमें बताओ, वो मैंने रखा ही नहीं है नया वाला, कॉमा लगा के रखना भी तो पड़ेगा ना, ई है वो मैंने रखा ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ डिस्प्ले हो जाए, मैंने उसी प्रीवियस को खोल के वापस रखवाया हुआ है इसके अंदर, ये मैंने नहीं रखा था, ये जो डेटा आ रहा है ना ये रखा ही नहीं था मैंने इसके अंदर, भूल गया था रखना, वो जब रखूँगा नहीं तो वो जब जाएगा कैसे, ये तो प्रीवियस को सिर्फ खोल के मैंने रखा हुआ था इसमें, देख लो यार क्या हो रहा है। अच्छा दोनों को रिफ़्रेश किया मैंने, दोनों का कंसोल क्लियर किया, यहाँ पे भी इसको मैंने रिफ़्रेश किया, इसका मैंने कंसोल क्लियर किया, और अब मैं यहाँ से एक मैसेज भेजता हूँ भाई, न्यू मैसेज एंटर। तो ये न्यू मैसेज एंटर मेरे पास यहाँ पे आया, खैर अभी भी नहीं है ये, लेकिन ये 43 से 44 हो गया है, सही है। अब मेरे पास ये स्टेट में एटलीस्ट आना शुरू हो गया। अब स्टेट में मैं खोल के देखता हूँ कि जो न्यू मैसेज है ये जो SF के बाद आना चाहिए था ना, अच्छा ये SF वाला तो ये है ना, तो ये असल में आ गया ये ऊपर इधर, तो मैंने एक्चुअली कहाँ लगाना है, शुरू में नहीं इसको मैंने आखिर में लगाना है, ओ सॉरी आखिर में नहीं शुरू में लगाना है, सही है, अब सही हुआ ये। वो एक्चुअली मेरा मतलब प्रिंट तो मैं सीधा करवाता हूँ, लेकिन मुझे अभी याद आया वो फ्लैक्स बॉक्स में हमने फ्लो उसका उल्टा किया हुआ है, प्रिंट तो सीधा किया लेकिन फ्लो उल्टा है उसका, तो लिहाजा वो शुरू में आएगा, ठीक है। ये आ गया न्यू मैसेज शुरू में, अब ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन जंबो से जाके एक मैसेज भेजता हूँ, कुछ ऐसे रैंडम सा स्ट्रिंग लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मुझे ये वो स्ट्रिंग मिल गया, सही है। अब यहाँ से मैं भेजता हूँ कि यार न्यू मैसेज एंटर, तो ये न्यू मैसेज जंबो के पास खुद ही यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रियल टाइम चैट है वो क्या हो गया, कम्प्लीट हो गया। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने बैकएंड से एक पिंग करवाया फ्रंट एंड तक, और जब भी एक नया मैसेज आता है उस सूरत में हमने ये पिंग करवाया, ठीक है। अच्छा अब देखो होता क्या है कि जब भी मैं देखो ये मैं जंबो के अकाउंट पे खड़ा हूँ, अब जंबो के अकाउंट से जब भी मैं इसको एक ऐसे हिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा कंसोल आ जाता है मेरे पास, लिहाजा मेरे पास सॉकेट इस वक्त कनेक्टेड है, जैसे ही मैं इस पेज को छोड़ के जाऊँगा ना ये सॉकेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं होम पे चला जाता हूँ, मैंने अभी पेज रिफ्रेश नहीं किया, मैं जस्ट होम पे मूव कर गया हूँ, बट अब यहाँ से कोई मैसेज भेजेगा ना जब, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं आया, ठीक है, लिहाजा मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे पास मैसेज आया है। तो एक मुझे चैनल बनाना पड़ेगा एक और नोटिफिकेशन का, जिसमें ना सिर्फ मैसेज के हवाले से मैं भेजूंगा, बल्कि और भी कोई चीज़ हो रही होगी ना तो उसके हवाले से भी सारी की सारी बातें मैं उसी में भेजूंगा, और उसको मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, मैं भी एक किसी दूसरे कंपोनेंट पे करूँगा, या मे बी app.js पे कर दूँगा मैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको मैं करूँगा। अच्छा फिर वो जो चैनल है जिस पे नोटिफिकेशन आ रही है, जो मेरे पूरी ऐप में मैं कहीं भी होता हूँ तो मुझे वो दिखता है, तो मैं उसको क्या करूँगा, जब मैं मैसेजेस के पेज पर हूँ तो फिर मैं उसको बंद भी करूँगा थोड़ी देर के लिए, उसको समहाउ मुझे रोकना भी पड़ेगा कि भाई अब तो मैसेज के पेज में अभी ऊपर जो टन टन नोटिफिकेशन है वो नहीं दिखानी है मैंने। दूसरी नोटिफिकेशन आनी चाहिए लेकिन मैसेजेस से हवाले से नहीं आनी चाहिए। तो ये अब पूरी होल लॉजिक है, ये अब आप खुद समझदार हैं, आपको समझ आ गया होगा कि काम किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये काम इस तरह से होगा कि एक्चुअली आप जो लिसनर लगाएंगे ना app.js के ऊपर, तो उस लिसनर के ऊपर आप फंक्शन चेंज करा देंगे मे बी, या उस लिसनर को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, या उसमें कोई आप ऐसी लॉजिक लगा देंगे app.js का जो यूज़ इफेक्ट है उसी में ही लॉजिक लगा देंगे, क्योंकि राउटर तो है ना, आपको पता है कि इस वक्त पेज का URL क्या है, app.js के कंपोनेंट पे आपने रजिस्ट्रेशन मारी हुई है, लेकिन आपको ये तो पता है कि पेज का URL क्या है, तो आप उस जगह पे जब जाएंगे तो उस इवेंट को आप इग्नोर मारेंगे, सही है। तो क्या ख्याल है, ये app.js पे ही लगा लिया जाए इसको, हाथ के हाथ लगा लें, टाइम है हमारे पास, टाइम तो पूरा हो गया, देखते हैं कितने तुम लोगों से लोग बैठते हैं, कितने भाग जाते हैं। अच्छा तो फिलहाल मैं कोई अलग से चैनल नहीं बना रहा नोटिफिकेशन का, मैं इसी पूरे यूज़ इफेक्ट को क्या करता हूँ, इसी यूज़ इफेक्ट को पूरे को मैं वहाँ ले जाता हूँ, सही है। कहाँ लेके चला जाता हूँ मैं, अपने app.js में, सही है। और यहाँ पे पहले से कुछ मौजूद हैं यूज़ इफेक्ट्स, उन्हीं के दरमियान में मैं एक अपना ये वाला यूज़ इफेक्ट भी लगा देता हूँ। अच्छा इस यूज़ इफेक्ट में मैंने एक गड़बड़ की है बाय द वे, यहाँ पे लास्ट में ना एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट एम्प्टी एक एरे डालना होता है, मैंने वो नहीं डाला हुआ, ठीक है। ये पता नहीं इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आई मुझे, ये तो नहीं डालने से क्या होते हैं, हाँ ना वो तो होती रहती है, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, सही चला है मेरे पास ये बिल्कुल, नहीं नहीं वो तो उसका ऊपर ये इंपोर्ट नहीं हुआ ना उसका आ रहा है वो तो,
ये ऊपर लाइब्रेरी नहीं इम्पोर्ट हुई हुई ना, उसमें वो उसका आ रहा है। ये मैंने क्या कर दी, लाइब्रेरी इम्पोर्ट करा दी एक्चुअली यहाँ पे। और क्या नहीं मिल रहा है इसको, ये चैट नहीं मिल। अच्छा चैट कहाँ से मिलेगा, वो तो चैट है ही नहीं, तो ये सेट चैट मुझे इसको हटाना पड़ेगा। सही है, और क्या चीज़ है, चैट अभी भी चैट नहीं मिल रहा है इसको। ये कौन सा चैट है, अच्छा ये वाला कॉन्सोल डॉट लॉग, यस। अच्छा ये कॉन्सोल वैसे मैंने वहाँ से भी हटवाना है, तो मैंने वैसे ही प्रिंट करा दिया था पूरा का पूरा। सही है, अब सेट है। अच्छा तो लिहाजा अब मैंने क्या कर दिया है, अब मैंने वो वाला जो चैनल था वो तो एक मैंने चैट की स्क्रीन पे रजिस्टर किया हुआ था, लेकिन चैट की स्क्रीन पे जब मैं उस चैनल को रजिस्टर जब मैं करता हूँ तो मैं एक ख़ास अंदाज से करता हूँ, और वो ख़ास अंदाज ये है कि जब उस पर नया इवेंट आता है तो मैं उसको एरे के अंदर डालता हूँ, नए आने वाले आइटम को ना, ठीक है। अच्छा अब मैंने उसी सॉकेट को ऐप डॉट जे एस पे भी रजिस्टर मार लिया है, ठीक है। लिहाजा अगर मैं यहाँ पे आके देखूँगा ना नेटवर्क में, तो मेरे पास इस वक्त क्या होगा, अगर मैं इस पेज पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और इस पेज से मैं जाता हूँ, ये जंबो को मैसेज करता हूँ मैं, यार एक क्यों कनेक्ट हुआ, दो होना चाहिए था कनेक्ट इसको, तो ये यूज़ इफेक्ट चला ही नहीं है क्या। ऐप डॉट जे एस एक्स पे ये यूज़ इफेक्ट चला है ना, बेस यू आर एल इसको यहाँ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है बेस यू आर एल। कनेक्ट पे इवेंट भी मिल रहा है, कनेक्ट इन ऐप डॉट जे एस एक्स, सही है, पता लगे ना ये कौन से वाले कनेक्ट का इवेंट आ रहा है मेरे पास। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा ना तो एक कनेक्टेड आ गया, कनेक्टेड इन ऐप डॉट जे एस एक्स आ गया। नेटवर्क में आई एम नॉट श्योर कि ये एक क्यों है, एक पेंडिंग ये आ गया, अच्छा एक, हाँ सही है, दो हैं, दो हैं, सही है, सही है, मैंने दो कर लिया। अच्छा ये दो अलग अलग चैनल होते हैं बाय द वे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने दूसरा चैनल नहीं बनाया हुआ, चलो बना लेते हैं दूसरा भी ना, क्या ख्याल है, दूसरा बना लेते हैं यार, जब इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर दूसरा चैनल बनाने में क्या है, ठीक है। दूसरा चैनल मैं इस तरह बना लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई एक तो आप दोगे क्या भला, एक तो आप दोगे कि यार कहाँ गया वो इमेज जो मैंने किया हुआ था, ये रहा इमेज जो किया हुआ था वो ये है ना मेरे पास। अच्छा एक तो मैंने मारा है ना डॉट इमेज, और मैंने बोला कि भाई टू आईडी के नाम से चैनल है उस पर मारो इमेज। अब मैं मारता हूँ एक और इमेज यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ कि यार एक ऐसा बनाओ चैनल जिसमें इस आईडी, ना सिर्फ ये आईडी लिखी हुई हो, सही है, मैं बताता हूँ कि इसके लिए डिफरेंट चैनल की ज़रूरत क्यों है, हालांकि एक से भी हो सकता था लेकिन डिफरेंट चैनल की ज़रूरत इस वजह से है। मैंने कहा कि यार ये ना ऐसे क्या होगा कि नोटिफिकेशन डैश करके होगा, नोटिफिकेशन डैश करके होगा ये, सही है, नोटिफिकेशन और डैश और इस बंदे की आईडी, ठीक है, लेकिन टू नहीं, टू की आईडी ना, जिसको नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है, जिसको ये मैसेज भेजा जा रहा है उसको भेजना है नोटिफिकेशन, तो ये टू आईडी है, ठीक है, तो इसके नाम से एक नोटिफिकेशन का चैनल है। अच्छा अब इसके ऊपर ये मैं पूरा न्यू मैसेज को ऑब्जेक्ट नहीं भेजूंगा, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा एक नाइस एंड क्लीन एक मैसेज जो कि नोटिफिकेशन जैसा दिखे वो, सही है, बना दे भाई खुद बना दे, जब इतना कुछ कर रहा है तो ये भी बना दे। आया था वो मैंने गलती से वो कर दिया, अबे दे ना, क्या रोना शुरू। कंप्यूटर को पता नहीं चलना चाहिए कि आप जल्दी में, सही है, कंप्यूटर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप जल्दी में। अब चला, अबे डिव नहीं भाई, क्या है डिव, क्यों डिव नहीं। अच्छा वेल यू हैव रिसीव्ड स्पेस, क्या है यार मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। यू हैव रिसीव्ड अ न्यू मैसेज फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम जो है करंट यूजर डॉट फर्स्ट नेम, सही है, सिर्फ फर्स्ट नेम लगाते हैं, सही है, और कॉलन लगा के
अच्छा न्यू मैसेज कर देते हैं, यू हैव रिसीव की तो ज़रूरत नहीं है, न्यू मैसेज कर देते हैं और न्यू मैसेज फ्रॉम, और जैसे फ्रॉम इंजमाम, ठीक है, और उसके बाद वो एक्चुअल मैसेज कि वो मैसेज क्या है ना, मैसेज टेक्स्ट। तो ये नाइस, एक नाइस वो बन गया हमारे पास, नोटिफिकेशन का एक डेटा तैयार हो गया हमारे पास, एक ना अच्छा सा मीठा मीठा सही है। ये मेरे पास क्या एक चैनल बन गया नोटिफिकेशन का, और ये मैंने एक मैसेज भिजवा दिया इस चैनल के ऊपर। अब क्या होता है, ये वाला जो मैसेज है ना मेरे पास, मैंने जो ऐप डॉट जे एस एक्स लगाया था ना यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला चैनल सब्सक्राइब मारता हूँ, ये वाला चैनल मैं सब्सक्राइब मारता हूँ, कहाँ गया वो, ये रहा ना ये, मैंने कहा कि यार मैंने कहा नोटिफिकेशन डॉट नोटिफिकेशन डैश करके मैंने ये लगा दिया, और मैंने कहा जब यहाँ पे आए ना तो आप क्या बता दो कि भाई क्या मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ कि न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर, ठीक है, न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर में ना ई में वो पूरा का पूरा मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगा होपफुली जो मैंने वहाँ से भिजवाया हुआ था। सही है जी, मैं आ गया यहाँ कॉन्सोल पे और यहाँ पे कॉन्सोल क्लियर कर लिया, यहाँ पे भी कॉन्सोल, ठीक है। अब जंबो के अकाउंट से जब एक मैसेज नया निकलेगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, अ न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर और न्यू मैसेज फ्रॉम जंबो, और वो पूरा मैसेज सामने लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ हाय, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये पूरा ऐसे मैसेज लिखा हुआ आएगा। सही है, अब इसका मैसेज का मैं करूँ क्या, इस नोटिफिकेशन का। अच्छा मैं चैट की स्क्रीन पे हूँ तो इस वक्त मुझे सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है वो मैसेज, और कॉन्सोल में वो नोटिफिकेशन भी आ रहा है। अब मैं चलता हूँ होम की स्क्रीन पे, ठीक है, अब मैं चलता हूँ होम की स्क्रीन पे एक्चुअली, जो कि ऐप डॉट जे एस नहीं है लेकिन होम की स्क्रीन है, या मैं अबाउट पे चला जाता हूँ जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो चैनल अभी भी सब्सक्राइब है। अब मैं यहाँ से अगर भेजता हूँ ना मैसेज, मैं इसको अगेन बोला हाय, तो वो चैनल अभी भी सब्सक्राइब है जो मैंने ऐप डॉट जे एस एक्स में किया हुआ, वो नहीं कभी अनसब्सक्राइब होगा। तो अब उसको मैं कैसे यहाँ पे हैंडल करूँगा, उसको मैं ऐसे हैंडल करूँगा कि ऐप डॉट जे एस एक्स में जाके ना मैं एक बनाऊँगा यहाँ पे, अब स्क्रीन पे कुछ रेंडर करने का आइटम शुरू करूँगा मैं, क्योंकि ऐप डॉट जे एस एक्स से मैं क्या रेंडर करवाता हूँ इस वक्त, राइट नाउ मैं इस वक्त यहाँ से क्या रेंडर करवाता हूँ, देख लेते हैं क्या करवाता हूँ, नेव बार करवाता हूँ। सही है, तो एक्चुअली वो जो ये वाला पार्ट है ना, इतना पार्ट ये ऐप डॉट जे एस एक्स से रेंडर हो रहा है, तो मैं अगर कुछ और भी चाहूँ तो रेंडर करवा सकता हूँ, इसके एन नीचे करवा सकता हूँ ना, तो करवा देता हूँ आगे फिर यहाँ। सही है, अच्छा मैं बिल्कुल लास्ट में जाके या शुरू में जाके, शुरू में जाके, सही है, शुरू में मैं यहाँ पे एक करवा देता हूँ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन डॉट मैप, अरे ये क्या कर दिया इसने, ठीक है, नोटिफिकेशंस डॉट मैप एस होगा इसके अंदर, ठीक है। इट मींस कि मुझे यहाँ पे एक स्टेट बनाना पड़ेगा, आज वो स्टेट बना लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट नोटिफिकेशंस, और ये एरे है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये एरे बाय डिफॉल्ट आ गया, और जो भी मुझे यहाँ नोटिफिकेशन मिलता है, ये जो ई मिलता है मुझे इवेंट, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस सेट नोटिफिकेशंस के अंदर जो है ना, मैं इसको इसको रखवा देता हूँ, ठीक है, शुरू में इसके मैं रखवा रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा चलो खैर,
ठीक है, तो अब नोटिफिकेशंस में जो भी कुछ है ना उसको मैं मैप चलाऊंगा तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, नोटिफिकेशंस में क्या है, जस्ट स्ट्रिंग वैल्यू है जो मैं सर्वर से भेजता हूँ। ऑब्जेक्ट भेजता तो ऑब्जेक्ट होता, सही है, फिलहाल अभी सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू है। और मैं उसको बोलता हूँ कि यार ईच नोटिफिकेशन और कॉमा इंडेक्स, और यहाँ पे आके मैं बना देता हूँ एक रिटर्न डिव। डिव क्यों नहीं बन रहा, नहीं मैंने रिटर्न लगा दिया ना इस पर, चलो गोल वाली ब्रैकेट दे देते हैं। सही है, सही है, एक मैंने यहाँ पे डिव लगा दिया। ये क्या मसला हो रहा है, हाँ यहाँ पे दो हो गई, राइट। अच्छा यहाँ पे मैंने बता दिया भाई H1 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक सिंपल सा ना वो पूरा टेक्स्ट होगा, एक्चुअली ईच नोटिफिकेशन इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग ना, ईच नोटिफिकेशन इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग, तो बस यहाँ पे ही ऐसे स्ट्रिंग होके आ गया। ठीक है, बल्कि मुझे इसको शायद दो लाइन में ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन में इसको मैं सही था, सही है, एक लाइन में ही इसको मैंने कर दिया। और इसको एक्चुअली मुझे एक डिव यहाँ पे बाहर भी एक डिव में पैक करना होगा, अदरवाइज इसको वो समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। सही है, यहाँ पे मुझे जो भी क्लासेस व्लासेस लगानी होंगी वो यहाँ होगा, एक डिव ये होगी और उसके अंदर मल्टीपल डिव्स होंगी डिपेंडिंग ऑन के कितनी नोटिफिकेशन इस वक्त मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आया हुआ था क्या, सही है, कोई एरर नहीं है। अच्छा इसको भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अब जंबो की स्क्रीन से मैं मैसेज भेज रहा हूँ अपने एक ABC यूज़र को। यहाँ से जब कोई मैसेज मैं भेजूँगा नोटिफिकेशन जनरेट होगी, और नोटिफिकेशन जनरेट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वो लिसनर नहीं मिला उसको, क्या सर्वर फट गया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन सही तो है, सही है बिल्कुल, अब क्यों नहीं आया यार ये, वो की का वो भी नहीं आया, चलो की लगा देते हैं ना इसमें हम, एरर भी नहीं आया ना, की का एरर आना चाहिए। सही है, कनेक्टेड इन app.jsx यहाँ पे भी आ गया, और कनेक्टेड इन app.jsx यहाँ से मैंने एक मैसेज लिखा, एंटर मारा, मैसेज चला गया यहाँ से, यहाँ पे कुछ आया नहीं यार, ये क्या चक्कर है, ये डिव जो है वो खाली है अभी तक। अच्छा चलो, जब यहाँ पे मुझे वो इवेंट मिलता है ना, इवेंट एक्चुअली मिल ही नहीं रहा मुझे, इवेंट मिलता तो यहाँ कॉन्सोल ज़रूर आता, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कॉन्सोल लगाया हुआ है ना, हाँ ये वाला नहीं, ये न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर आ ही नहीं रही, जो पहले आ रहा था वो आना बंद हो गया, आना बंद क्यों हो गया यार, ये पहले आ रहा था ना ये वाला न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर, वो अब आना ही बंद हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो, थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, तो फिर क्या होता है, कनेक्टेड इन app.jsx। अभी ये न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर आना बंद क्यों हो गया, सर्वर को एक दफा रोक के चला लेता हूँ, शायद सर्वर में कुछ इशू आ गया हो। नहीं भाई, सीन ऑफ हो गया, मैं ABC को ही मैसेज भेज रहा हूँ ना यहाँ से,
जाके एक दफ़ा ज़रा मैं चैट में चेक कर लेता हूँ कि मैं सही को मैसेज भेज रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं कहीं गलत नाम पे मैसेज भेज रहा हूँ। मैंने कहा न्यू मैसेज एंटर। अच्छा अब ये न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर आना शुरू हो गया। और मैंने कहा कि हाय ABC, तो ये हाय ABC उधर पहुँचना चाहिए, अब आना शुरू हो गया। लेकिन वो न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर नहीं आया अभी भी, यहाँ वो कोई दूसरा वाला आया है ना, नोटिफिकेशन वाला नहीं आया। नोटिफिकेशन वाला चैनल नहीं आया, यहाँ पे आ रहा है। इसको भी मैं एक दफ़ा अगर रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ से मैं उधर भेजता हूँ तो इधर नोटिफिकेशन वाला नहीं आया, और यहाँ से उधर भेजता हूँ तो इधर भी नोटिफिकेशन वाला नहीं आया। ये नोटिफिकेशन वाले को क्या मसला हो जा रहा है? ओके ये मैं समझ गया क्या चक्कर है, ये मैं समझ गया क्या चक्कर है। ये मैं app.jsx में जब ये चलाता हूँ ना ये वाला, तो शुरू में तो यूज़र की आईडी होती नहीं है, लिहाजा कनेक्ट किस पे होता है, वो अनडिफाइन पे कनेक्ट हो जाता है भाई। ये जब मैं कनेक्ट मारता हूँ इसको यहाँ पे इस वाले को मैं, तो शुरू में ये यूज़र की आईडी होती है क्या? वो तो लोड हो के आती है ना, शुरू में तो नहीं होती, तो इस वजह से वो नहीं हो रहा कनेक्ट, ये चक्कर है, और कोई मसला नहीं है। सही है, अब इसका क्या हल निकाला जाए कि जब ही चले, जब ये आईडी आ चुकी हो, लोड हो चुकी हो। बल्कि इसको मैं अलग से वो कर लेता हूँ ना कॉन्सोल, कि जब ये चलता है तो उस वक्त ये क्या होता है जिस पर ये कनेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे मैं कॉन्सोल लगा लेता हूँ ना, यहाँ पे इसको मैंने कॉन्सोल लगा लिया, पता लग जाए ना मैं नोटिफिकेशन डैश में वो क्या होता है उस वक्त जब ये कनेक्ट होता है। मैंने अबाउट में गया मैं, और अबाउट में जाके मैंने उसको रिफ्रेश मार लिया, ये देखो ना नोटिफिकेशन डैश अनडिफाइन, ये चक्कर है। तो वो तो कनेक्ट हो गया, तो हम अब ये करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि क्या हो कि इफ़ लगाना पड़ेगा ना अब इसके अंदर में, एक इफ़ लगाना पड़ेगा हमें कि भाई इफ़ अगर जो है ना ये state.user.id ये मौजूद हो जब, तो जब भी ये कनेक्ट का काम हो, अदरवाइज़ ये ना हो कनेक्ट वाला काम, ठीक है, अदरवाइज़ ये काम ना हो। ये होगा तो कनेक्ट हो, ये अदरवाइज़ ना हो। अच्छा अब तो ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि शुरू में एक दफ़ा चला, आईडी अनडिफाइन थी, नहीं चला, ख़त्म हो गया। अब क्या करूँ बताओ, रिफ्रेश मारा इसको मैंने एक दफ़ा और नहीं चला, चला ही नहीं वो। ये जो स्टेट है ना मेरा, ये स्टेट क्या है, ये है मेरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जब मेरे कंपोनेंट के अंदर ये स्टेट आता है ना, तो इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ सिंपल स्टेट, जो प्लेन स्टेट होता है कंपोनेंट के अंदर वाला। तो लिहाजा मैं इस स्टेट को क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ दे सकता हूँ, लिहाजा वो जब जब स्टेट चेंज होगा दोबारा ट्राई मारेगा ये, तो जब यूज़र आएगा तो ज़ाहिर है स्टेट चेंज होगी ना, तो दोबारा ट्राई मारेगा। तो देखते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं अगेन, अब ये सही पे कनेक्ट हुआ है, सही है, अब ये क्या हुआ है, अब ये सही वाले पे कनेक्ट हुआ है। अच्छा लेकिन अब मेरे पास एक और इशू है, एक और इशू ये है कि ये स्टेट तो बाद में भी कई दफ़ा चेंज होगा भाई, अब तो वो एक दफ़ा कनेक्ट हो गया, अब यूज़र के ऑब्जेक्ट में जब जब कोई चेंज आएगा, जब जब ये दोबारा वो करेगा, अब इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? हाँ जी भाई, छोटे छोटे चैलेंजेस हाँ? अच्छा एक्चुअली मुझे इसके लिए शायद ये करना होगा कि मुझे एक एडिशनल यहाँ पे स्टेट बनानी पड़ेगी, मुझे एडिशनल एक कि भाई इस वक्त सॉकेट कनेक्टेड है अगर ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं इस इफ़ के साथ ना एक वो भी लगा दूँगा कि भाई ऑलरेडी कनेक्टेड है तो स्किप कर दे उसको, ठीक है, चलेगा तो सही वो लेकिन स्किप कर दे। या मे बी इसका कोई और सॉल्यूशन हो सकता है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आप ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील। लिहाजा अब क्या होगा, ये सही जगह पे कनेक्ट एटलीस्ट होना शुरू हो गया है, तो अब मैं क्या होता है, अभी मैं अबाउट के पेज पे खड़ा हुआ हूँ, और अब मैं जंबो के पास से अगर कोई मैसेज भेजता हूँ तो मेरे पास ना सिर्फ कॉन्सोल पे आना चाहिए बल्कि स्क्रीन पे भी आ जाना चाहिए। न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर, ये तो आ गया लेकिन स्क्रीन पे क्यों नहीं आया? अच्छा इसको मैंने रोका हुआ है ना, इसको वापस ऑन कर देते हैं। सही है, इसको मैंने वापस ऑन कर दिया, अगेन मैंने यहाँ से एक सर्वर से मैसेज भेजा, यहाँ पर अब मुझे ये स्क्रीन पर देखो आना शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से मैं एक और मैसेज भेजूँगा,
वो एक स्क्रीन पे एक और आ जाएगा, न्यू मैसेज फ्रॉम जंबो। ठीक है, मैं अबाउट के पेज पे हूँ और मुझे नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल रही है नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन है क्या, मतलब हटेगी कैसे, ये पूछ रहे हो, हटेगी कैसे ये? नहीं, क्रॉस का बटन होना चाहिए उसके ऊपर, एक क्रॉस का बटन होना चाहिए, उस पर एक बटन भी होना चाहिए कि गो टू मैसेज। इस पर तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी अभी कराते हैं, सब सब करा लें। आर यू एक्साइटेड? हाँ हाँ, कराते हैं कराते हैं, अभी अभी कराते हैं, एक एक करके सब कराते हैं काम। अच्छा, पहले तो इस पर थोड़ी सी CSS लग जाए, नोटिफिकेशन जैसा तो दिखे कम से कम, ये गरीब लग रहा है बिल्कुल ही। तो नोटिफिकेशन जैसा दिखाने के लिए ना, इसको हम क्या कर देते हैं, आके नीचे थोड़ी सी CSS लगा लेते हैं। यू विल हैव टू बेयर विथ मी। ये मेरा है ना, मैंने इसको कह दिया क्लास नोटिफिकेशन, ठीक है, विंडो, सही है, नोटिफिकेशन विंडो मैंने इसको नाम दे दिया। अच्छा, और इसके अंदर जो डिव है, इसको मैंने क्लास क्या दे दिया, इसको मैंने दे दिया नोटिफिकेशन। ठीक है, एक नोटिफिकेशन विंडो है, एक नोटिफिकेशन है, अब दो चीज़ें मेरे पास हैं, एक के अंदर एक। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों पे CSS लगानी है। आ जाओ जी, app.css के ऊपर आके मैं app.css मैंने यहाँ पे खोल ली, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, डॉट नोटिफिकेशन विंडो और डॉट नोटिफिकेशन विंडो के अंदर जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन, सही, इन दोनों पे मुझे कुछ CSS लगानी है। अच्छा, लिहाजा मैं क्या कर लेता हूँ, ये नोटिफिकेशन तो चलो मेरे पास मौजूद है ना, अरे पेज रिफ्रेश कैसे हो गया ये, चलो कुछ नोटिफिकेशन स्क्रीन पे ले आते हैं ना। तो ये कुछ नोटिफिकेशंस मैं स्क्रीन पे क्या करके लेकर आ गया। इस पे मैं सबसे पहले तो नोटिफिकेशन पे बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, सही है, बॉर्डर रेडियस 15 pixel, सही है, बॉर्डर आ गया नोटिफिकेशन जैसा। पैडिंग कुछ ना कुछ चाहिए होगी मुझे, पैडिंग 0.5 rem, सही है, और ये डिव है ना एक्चुअली, अब डिव है तो मुझे वो इसको इतना ही करना है जितना टेक्स्ट है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना मुझे। नहीं, एक्चुअली पैडिंग लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है, वो तो असल में वो डिव है ना, असल में तो ब्लॉक लेवल होता है। चलो, इसके पेरेंट को भी मैं फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा तो ये खुद ही सीधा हो जाएगा, ये मतलब ख़त्म हो जाएगा ना ब्लॉक से, तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ इसको, सही है, डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही वो यूं हो गया। फिर इसको मैं कॉलम चेंज मारूंगा ना इसका, मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये खुद ही सेट हो गया। ठीक है, कॉलम रिवर्स हो गया, कॉलम रिवर्स था, कॉलम था, कॉलम रिवर्स क्यों, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, अभी मुझे वो नहीं करना, नीचे वाला ऊपर नहीं करना। अच्छा, अब इसको वो करना है ना मुझे, अलाइन आइटम्स मुझे अब सेंटर करना है ना, जिससे कि क्या हो जाएगा, जितना टेक्स्ट है उतने पे ही आ जाएगा ये। ये कर दिया ना मैंने, एक मिनट, इस पर भी मैं बॉर्डर लगाऊँ ना, इस पर भी तो मैं बॉर्डर लगाऊँ, मुझे पता तो चले है कहाँ तक, 1 pixel सॉलिड रेड, सही है, ये मेरी विंडो यहाँ तक है, ये नोटिफिकेशन विंडो है मेरी इस वक्त। अच्छा, मुझे एक्चुअली ये नोटिफिकेशन विंडो चाहिए मेरे जो वो है ना, मेरा जो यानी पूरी ऐप जो है उस पर एज अ ओवरले चाहिए ना मुझे, ये तो अलग से थोड़ी चाहिए मुझे ये, ठीक है, मुझे एज अ ओवरले ये चाहिए। तो मुझे सबसे पहले तो ये पूरी विंडो की जो पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, है ना, पोजीशन में क्या करूँ कि ये ऊपर आ जाए, इसके पोजीशन इसकी मैं करूँगा फिक्स्ड, फिक्स्ड करूँगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पूरी स्क्रीन पे वो फिक्स चाहिए, भले वो मतलब मेरा ये पेज स्क्रॉल हो रहा है ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, मुझे ये अपनी जगह पे चाहिए, ऐसा ही होता है ना, ये पेज के साथ स्क्रॉल भी होता है ये, ठीक है। तो पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया, और मैंने कह दिया कि राइट 0, राइट पे मैंने चिपका दिया इसको,
और मैंने टॉप से भी, मैंने कहा यार टॉप से थोड़ा नीचे हो जाओ, लॉगआउट का बटन तो दिखे, टॉप से मैंने कह दिया कि यार थोड़ा नीचे हो जाओ बच्चा, टॉप से अगर टॉप ज़ीरो करता हूँ तो ये टॉप पे वैसे भी ज़ीरो पे ही है, मैं कहता हूँ टॉप से आप हो जाओ 100 पिक्सल नीचे हो जाओ आप, तो ये इधर आ गया, ठीक है, इसी जगह चाहिए मुझे नोटिफिकेशन। अच्छा, और मैं इसको कह देता हूँ कि यार फ्लैक्स भी ना आप हो जाओ, किधर हो जाओ फ्लैक्स, अबे यहीं से लगाते हैं इसमें, उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि यार फ्लैक्स ये जो है ना, मैंने सेंटर किया हुआ था, क्या किया हुआ था इसको, सेंटर किया हुआ था ना इसको, मैं कह देता हूँ कि फ्लैक्स, अच्छा ये तो खुद ही सही हो गया, लेकिन ये खुद कैसे सही हो गया, इसको कैसे पता लगा कि विर्थ मेरी कितनी होगी, अच्छा किसी डिव में अगर ज़्यादा टेक्स्ट होगा तो बड़ा भी हो जाएगा ना, यहाँ ये मसला है, ये मसला है, ठीक है, लिहाजा मुझे इसमें वो लगाना पड़ेगा स्टिल। अबे वो मैंने रिफ्रेश मारा तो मैसेज ही चले गया, सही अभी इधर आ रहा है। अच्छा क्या लगाने लगा था मैं इसमें, ये जो मैंने अलाइन आइटम सेंटर लगाया इसको मैं एंड लगा दूंगा, फ्लैक्स एंड, सही है, तो अब इधर आने लग गया ये। अच्छा इसकी विड्थ भी मुझे भाई फिक्स करनी है, ऑब्वियसली जो पेरेंट है इसकी विड्थ भी मुझे फिक्स करनी है, ये इससे ऊपर ना चला जाइए, तो मैंने कहा कि जो मैक्स विड्थ होगी ना आपकी वो होगी आपकी 400 पिक्सल, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर इससे ज़्यादा जाता है तो वो उसको दो लाइन में कर देगा, फिर मिसाल के तौर पे किसी एक मैसेज के अंदर मेरे पास क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ जाता है, तो ये 400 पे जाके उसको दो लाइन पे करने लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने विंडो पे अभी क्या क्या लगाया है, एक तो फ्लैक्स एंड लगाया है, उसके अलावा मैक्स विड्थ लगाई है, फ्लैक्स एंड लगाया है, उसके अलावा मैंने मैक्स विड्थ लगाई है 400 पिक्सल, ठीक है, 400 पिक्सल को वैसे मुझे शायद वो देना चाहिए था, 400 पिक्सल 400 डिवाइड बाई 16, एक्चुअली मुझे 25 REM देना है इसको ना, 25 REM देना चाहिए मुझे, ये जो टॉप से भी मैंने इसको किया है ना, सही है, 6 REM मुझे देना चाहिए एक्चुअली इसको, 6 REM, सही है, इन दोनों को मैंने कुछ ना कुछ, अच्छा ये अब नाउ इट्स टाइम के इसको मैं क्या कर दूँ, अपने नोटिफिकेशन के जो विंडो है इसको मैं कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे दूँ ना, हाँ मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, नहीं मेन विर्थ इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मिनिमम तो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन में टेक्स्ट आएगा ही ना, बिल्कुल खाली नोटिफिकेशन तो सर्वर से मैं जनरेट नहीं करवा रहा, ठीक है, अच्छा बिल्कुल खाली अगर आती भी है तो कैप्सूल बना हुआ है और खाली हो, उससे बेहतर है वो चुपका वही आ जाए, हाँ नहीं बात तो ये इसकी सही है कि अगर असल में ये तो 10-12 नोटिफिकेशन एक साथ आए हुए हैं ना, इसलिए ये फील हो रहा है ज़्यादा, जब एक एक करके आएगा तो फिर नहीं फील होगा, अदरवाइज मैं कर सकता हूँ कि इसकी मिनिमम विड्थ मैं 200 कर दूँ कि भाई अगर ये जैसे छोटा मैसेज है स्टिल ये मुझे 200 पिक्सल का बॉक्स दिखाए, ताकि जो मतलब एक या दो वर्ड वाले मैसेजेस हैं उसका नोटिफिकेशन एक जैसा डेवलप हो, अभी मैं वो करना नहीं चाह रहा, असल में मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से आए स्क्रीन के ऊपर कि गैर महसूस तरीके से ना छोटा छोटा ही आए ये, ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ अभी, इस वजह से मैंने इसके साथ ये काम नहीं किया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं इसका करता हूँ रेड, सही है, हाँ भाई सही लग रहा है नोटिफिकेशन, लाइट तेज़ हो गई है बहुत, हाँ और ये बॉर्डर इसका मैं हटा देता हूँ, मार्जिन उस पर कुछ ना कुछ मुझे चाहिए होगा, मार्जिन में कह देता हूँ भाई 0.5 REM, ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, 3, 2, 1, सही है, 1 काफ़ी है, 0.1 REM, तो नोटिफिकेशन का जो मेरे पास ये बॉर्डर था इसको मैंने हटा दिया, सही है, और इसकी मैंने मार्जिन दे दिया इसको 0.1 REM, और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर और कलर देना है लेकिन वो रेड नहीं देना, सही है,
अच्छा हाँ, कलर पिकर से कोई अच्छा सा उठा लेते हैं। तो जो आई मैसेजेस का जो है ना, जो चैट है ना, उसका कलर हम कॉपी मार देते हैं। सही है, आई मैसेज के अंदर ये वाला कलर है आजकल। सही है जी, आई मैसेज का ये कन्वर्सेशन आ गया हमारे पास। तो इस कलर को हम क्या कर देते हैं, छाप देते हैं जल्दी से। नहीं, आई मैसेज तो वो कन्वर्सेशन हो गया ना, नोटिफिकेशन चाहिए मुझे तो ना। सही है, ये आजकल आ रहा है मार्केट में नोटिफिकेशन, ये वाला। इसमें हल्की सी ट्रांसपेरेंसी होती है। हाँ, इसमें आरजीबी ए लगेगा, और इसके लिए हमारे पहले आता था ऐसा घटिया, अभी इन्होंने कर दिया थोड़ा ऐसा ग्लास वाला। सही है, और मतलब इस तरह का कर दिया इन्होंने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं वो वाला ना, ग्लास मॉर्फिज्म पे मैं चला गया। css.glass इस वेबसाइट का नाम है, और ये मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इसकी css मैंने यहाँ से कर ली कॉपी। सही है, इसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, यानी इस ट्रांसपेरेंसी को मैं कम ज़्यादा करके इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ इसकी। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मेरा नोटिफिकेशन विंडो है ना, वो ये होगा। सही है, तो लिहाजा मेरा नोटिफिकेशन विंडो अब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ, देख रहे हो, ग्लास टाइप का। सही है, और कलर आके छापते हैं ना, अभी कलर भी छापते हैं अभी। अच्छा, कलर इन्होंने ब्लैक ही रखा हुआ है, लेकिन कुछ बोल्ड बोल्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है असल में। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है इनकी ना, छाप लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इतनी है इसकी, हाँ, मैच हो गया। अच्छा, इसमें तो पीछे वाला बिल्कुल ही नहीं दिख रहा एक्चुअली, पीछे वाला ये लकीर बिल्कुल ही नहीं दिख रही ना, ये लकीर आ रही है पीछे, गायब हो जा रही है बिल्कुल आगे। ये नहीं, नहीं ये भाई इसी में बन जाएगा, ये पीछे वाला बिल्कुल नहीं दिख रहा ना, तो ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी जब तक मैं नहीं रखूँगा तो वो कलर नहीं आएगा। इन्होंने ये काम कैसे किया है कि जो है ना, ब्लर बढ़ाना पड़ेगा मुझे। यस यस, दिस वन। ठीक है, इसको रिफ्रेश मारता हूँ मैं, ट्रांसपेरेंसी अपनी जगह पे छोड़ के सिर्फ ब्लर बढ़ाऊँगा आपकी बार में। सही है, ब्लर मैंने बढ़ा दिया, और ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी सी मूव करा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर में टेक्स्ट दिखाना है ना, तो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। गुड इनफ है, कॉपी टू css, और मैं आके अब यहाँ ये css छाप देता हूँ। सही है, देखते हैं हमारा नोटिफिकेशन अब कैसा दिख रहा है। अब ऐसा दिख रहा है हमारा नोटिफिकेशन। हमारा बैकग्राउंड असल में वो वाला नहीं है, तो इसलिए हमें फील नहीं हो रही, फील नहीं आ रही हमें। हाँ, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं हम इसमें ना, बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं, अब लगे हाथों एक, छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो बॉर्डर रेडियस था ना, वो 15 पिक्सल बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 0.5 rem कर देता हूँ। सही है, बॉर्डर रेडियस हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उनका बॉर्डर रेडियस इतना नहीं है, उनका कम है, बल्कि ये भी ज़्यादा हुआ हुआ है, 0.3, थोड़ा सा उनका इस तरह का है ना। ठीक है, सेट हो गया। अब ये जब इस पे बैकग्राउंड इमेज लगेगी या बैकग्राउंड कलर लगेगा, जब ही ये मज़ा कराए, चलो बैकग्राउंड कलर भी छाप देते हैं ना, लगे हाथों। हाँ, यही वाला छाप देते हैं। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर मुझे बॉडी पे लगाना होगा ऑब्वियसली, चलो यहीं पे बॉडी करके लगा देता हूँ इसको। सही है, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट अभी मैं ये कर रहा हूँ, वैसे तो ऑब्वियसली मुझे इस तरह से नहीं लगाना चाहिए। सही है, पूरा ही घोल मट्ठा गोला गंडा कर दिया हमने उसको पूरा। अच्छा, अब इस पे जो है वो क्रॉस का बटन एक हो जाए, क्या ख्याल है, कर लेते हैं यार, अभी मज़ा आ रहा है। अच्छा, css जितनी लगनी थी उतनी लग गई, अब इससे ज़्यादा css हमने नहीं लगानी इसके ऊपर। यहाँ पे मैं सिंपली एक इस नोटिफिकेशन का जो मेरे पास ये है ना, इसमें मैं आके एक लगाऊंगा बटन,
सही है, बटन को क्रॉस बना दो बाद में या जो भी कर दो, एक क्लोज का बटन होगा एक और एक होगा ओपन का बटन होगा। सही है, ये शो क्यों नहीं हुआ, हो गया हो गया। अच्छा एक बीआर भी मुझे चाहिए होगा यहाँ, क्योंकि अगली लाइन में मुझे वो दोनों बटन चाहिए। ठीक है, और ये दोनों बटन मुझे किधर चाहिए, उस कोने पे चाहिए। तो मुझे इस विंडो को फ्लेक्स भी बनाना पड़ेगा। इस विंडो को मैं बोल दूँगा कि भाई आप हो जाओ डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ। ठीक है, जो एक्चुअली डिस्प्ले फ्लेक्स तो हो जाओ, लेकिन फिर मुझे इन दोनों को एक डिव में भी पैक करना होगा ना एक्चुअली। हाँ, इन दोनों को मुझे एक डिव में भी पैक करना होगा ना, जब ही तो दोनों एक साथ उधर जाएंगे, वरना एक साथ उधर नहीं जाएंगे फिर ये। सही है, इसको मैंने एक डिव में पैक किया और मैंने इसको बोल दिया कि डिस्प्ले फ्लेक्स। किसको बोला है मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स? नोटिफिकेशन के डब्बे को मैंने बोला है। और प्लस नोटिफिकेशन फ्लेक्स बोलने के साथ साथ मैंने उसको ये भी बोल दिया कि जस्टिफाई कंटेंट जो है ना, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन होगा ना पहले तो, क्योंकि ऊपर से नीचे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सही है, और अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड ये हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। ये तीनों मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं नोटिफिकेशन वाले पे ये चीज़ जाके अप्लाई मार देता हूँ। सही है, तो ये मेरा काम बिल्कुल सेट हो गया। अब इस बटन के ऊपर जो CSS वगैरह आपने लगानी है वो आप लगा सकते हैं। क्लोज के ऊपर मैंने क्या करना है, इसको क्लोज करा देना है, यानी गायब करवा देना है। ठीक है, क्लोज के ऊपर मैंने इसको गायब करा देना है। प्लस मैं इसका ये भी हटा देता हूँ ना, ये ऊपर जो आ रहा है ना बॉर्डर मैंने हटवा दिया। ये नोटिफिकेशन आ रहा है, अच्छा नोटिफिकेशन की हेडिंग भी नहीं है इसके अंदर, हेडिंग चाहिए होगी आई थिंक हमें नोटिफिकेशन की ना, कि नोटिफिकेशन और उसके बाद जैसे यहाँ इन्होंने लगाया हुआ है कि जी टाइम, अच्छा इन्होंने लिखा हुआ तो नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन फ़ील हो जा रहा है, ये हमारे में फ़ील नहीं हो रहा नोटिफिकेशन जैसा ही। हाँ, एक एक करके आएगा तो खुद ही फील हो जाएगा। सही है, अच्छा तो हमने क्या करना है, क्लोज के ऊपर एक फंक्शन लगाना है। ओके, मैंने कहा कि यार क्लोज के ऊपर एक फंक्शन लगा दो आप। ठीक है, क्या किया ये मैंने, ऑन क्लिक पे मैंने कह दिया कि भाई हैंडल क्लोज नोटिफिकेशन। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई ऑन क्लिक हैंडल ओपन नोटिफिकेशन। सही है, अब हैंडल क्लोज नोटिफिकेशन के अगेंस्ट और हैंडल ओपन के अगेंस्ट मैं एक एक यहाँ पे फंक्शन बना लूँगा। सही है, हैंडल क्लोज दे दे सजेशन, ये सारा ही ख़त्म करवा रहा है। कॉन्स्ट हैंडल ओपन नोटिफिकेशन। ठीक है, ओपन नोटिफिकेशन पर तो मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं करवा रहा, क्लोज के ऊपर मैं क्या करवा देता हूँ, क्लोज के ऊपर जो है ना मुझे वो मिल जाएगा इसका इंडेक्स। ज़ाहिर है इतनी सारी नोटिफिकेशन है, उसमें से एक कोई इंडेक्स जिस पे मैंने क्लिक मारा है ना वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऐसे करके ना यूँ इंडेक्स के साथ इसको कॉल करा देता हूँ यहाँ। ये समझ आया ना सबको क्या हुआ, ये हैंडल क्लोज नोटिफिकेशन के साथ ये इंडेक्स दिया मैंने जो ऊपर मुझे मिलता था, और ये इंडेक्स मुझे ऑब्वियसली फिर यहाँ पे भी मिलेगा। सही है, और ये जो इंडेक्स अब मुझे यहाँ मिल गया है, तो मेरे पास जो वो नोटिफिकेशंस करके जो मेरे पास अब वो है, नोटिफिकेशंस करके जो मेरे पास एरे है उसको मैं स्प्लाइस मार सकता हूँ अब। ठीक है, जो भी मुझे इंडेक्स मिला है उससे एक उड़ा दूँगा उस इंडेक्स पे जाके। मैं एक उड़ाने के बाद क्या करूँगा, मैं सेट नोटिफिकेशंस करके और ये ऐसे उसी नोटिफिकेशन को दोबारा सेट करा दूँगा। तो क्या होगा, क्लोज़ पे क्लिक करने से सिर्फ वो वाली, जैसे ये FS वाले पे मैं क्लिक करता हूँ क्लोज़, तो जस्ट ये वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, अब वो एनिमेशन हल्का सा ऐसे ऊपर आए एनिमेट करके वो आप CSS के थ्रू करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा,
अब मुझे ये काम करना है कि जब वो नोटिफिकेशन आए ना और थोड़ी देर में खुद भी गायब हो जाए वो, ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे होगा कि जब जब मेरे पास कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो मुझे कहाँ पे मिलेगी? मुझे इधर मिलेगी ना, ठीक है, मुझे इधर मिलेगी। मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, एरे के शुरू में रखवाता हूँ इसको, है ना, एरे के शुरू में रखवाता हूँ मैं उसको, और जब पहली नोटिफिकेशन आएगी तो इस एरे में एक ही आइटम होगा, ठीक है। अभी राइट नाउ एक नोटिफिकेशन आई, उसको अगले 3 सेकंड बाद खुद हटाना है या 5 सेकंड बाद खुद हटाना है। अच्छा, इतने में लेकिन एक नई नोटिफिकेशन आ गई तो उसको भी एरे के शुरू में ऐड किया जाएगा, तो पुरानी नोटिफिकेशन कहाँ चली जाएगी? एरे के लास्ट में। तो मैं अगर ये कर दूँ कि ये करवाने के साथ साथ मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट एक लगा दूँ, सही है, ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे इसको 3 सेकंड लगा दूँ और मैं बोल दूँ यहाँ पे कि जो भी नोटिफिकेशन है उसमें से क्या कर दे, डॉट पॉप मार दे, लास्ट से एक को उड़ा दे, ठीक है, और सेट नोटिफिकेशन ऐसे दोबारा कर दे, तो कि ये खुद से जाना शुरू हो जाएगी। इसको मैं रिफ़्रेश करके हटा दिया मैंने सारा, मैं ये इधर जंबो वाले पे गया, मैं इसको भी रिफ़्रेश कर दिया मैंने। अब जंबो के पास से मैं एक मैसेज भिजवाता हूँ, एंटर यहाँ से ही हूँ, ठीक है, ये आ गई नोटिफिकेशन, ये 3 सेकंड में खुद से चली जानी चाहिए, खुद से चली गई। अब मैं एक ऐसे भिजवाता हूँ, एक एक दो और एक और भिजवाता हूँ मैं यहाँ से, अब दो अच्छा यहाँ पे मैं एक वक्तन फवक्तन बहुत सारी नोटिफिकेशन भिजवाता हूँ, जिस सीक्वेंस से ये आई है उसी सीक्वेंस में वापस जानी चाहिए। अरे ये 3 सेकंड इतनी जल्दी हो गया, आया तो है, ख़त्म हो गया। ये सारी एक साथ चली जा रही है। एक्चुअली ये इस तरह नहीं होगा, ये वो जो मैं कर रहा हूँ ना नोटिफिकेशन डॉट पॉप, तो ये वो पहले वाले ही में मिल रहा है और वो इसी वजह से गड़बड़ कर रहा है। ये हमेशा ये प्रीव करके होगा, मैंने बोला ना कि सॉकेट डॉट ऑन के अंदर ये प्रीवियस के अलावा कोई हल ही नहीं है, तो ये वही वाली मैंने गलती खुद से कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा प्रीव डॉट पॉप, सही है, और फिर यहाँ पे प्रीव को इस तरह मारूँगा, सही है, रिफ्रेश, सही है, और यहाँ से अब मैं इसको मैसेजेस भेजना शुरू करूँगा, सही है, मैंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे, बहुत स्पीड में जा रहा है यार ये, इसको मैं कम से कम कर देता हूँ 5 सेकंड, आओ 5 सेकंड कर देता हूँ इसको मैं। नहीं, असल में मैंने जिस स्पीड से भेजा उसी स्पीड से वो ख़त्म हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम लग तो रही है, इसको अगर मैं 5 सेकंड से और कर दूँ, इसको मैं 10 सेकंड कर दूँ अगर, हाँ नहीं इसी तरह होगा। अब एक दफ़ा हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये मैंने जिस स्पीड से भेजा है, सही है, भेज के मैं रुक गया, ये नोटिफिकेशन आ गई सारी, ठीक है, अब मैं थोड़ी देर रुक के मैं दोबारा भेजता हूँ, तो ये वाला जो रुक के भेजा था मैंने, ये रह जाएगा। एक मिनट मैं भेजता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 नोटिफिकेशन मैंने ऐसे भेजे हैं यहाँ। अभी क्या हो रहा है, 2 क्यों आई इसमें? दो तो चले भी गए। इसमें मैं कुछ क्या गड़बड़ कर रहा हूँ यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा इसमें मैं, भाई दबे कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने इसके अंदर। इस प्रीवियस को एक दफ़ा यार कंसोल कराता हूँ कि यहाँ पे मिल मुझे क्या आ रहा है, ज़रा पता तो लगे, उसी से पता लगेगा कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो। प्रीवियस में मुझे इस तरह मिल रहा है, अब मैं इसमें ज़्यादा मैसेज डालता हूँ,
अच्छा ये स्क्रॉलेबल भी नहीं है, मुझे इसको स्क्रॉलेबल भी बनाना है यार। ये चल तो बिल्कुल सही रहा है जैसे मैंने उसको लगाया हुआ था, चल तो ये बिल्कुल सही रहा है। 12 मैसेज आए थे, 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6। अच्छा तुमने लॉग इन किया भाई? ये वाला नहीं किया हुआ। मैं ज़रा इसको थोड़ा रुक रुक के रियल रियल भेजते हैं ना मैसेजेस। हाय हाउ आर यू डूइंग, कैन यू कम ओवर। सही है, ये मैंने तीन अलग अलग मैसेज किए हैं, रुक रुक के किए हैं। ये दो इकट्ठे चले जा रहे हैं, ये दो इकट्ठे चले जा रहे हैं, ये वाला सीन है। किसकी है? यूज़ इफेक्ट। हाँ यूज़ इफेक्ट चल तो रहा है यार वो। यस ये यूज़ इफेक्ट चल रहा है और ये डबल डबल रजिस्टर हो जा रहा है मेरा मेरा जो ये सेट टाइम ऑर्डर है, डबल डबल रजिस्टर हो जा रहा है। ये हो रहा है, सही पकड़ा तुमने बिल्कुल। असल में यहाँ पे मैंने जो इफ़ यूज़र आईडी है ना, तो यूज़र आईडी के अंदर जब चेंज आता है कोई, तब तो वो वैसे ही चलता है और वो वैसे भी री रेंडर होने पर चलता है। जब नया नोटिफिकेशन रेंडर होता है स्क्रीन पर तो पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है ना, तो वो पूरा कंपोनेंट री रेंडर होने की वजह से क्या होता है कि वो सेट टाइम आउट मेरा डबल ट्रिपल रजिस्टर हो जाता है, और लिहाजा वो क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी भगा देता है उसको। फैल तो मैं सेट टाइम आउट को मैं फ़िलहाल क्या कर देता हूँ, नहीं हटा तो नहीं सकता, खैर मैं इसको ये कर देता हूँ कि जो है ना 10 सेकंड बाद ये उसको पूरा ही खाली करा दे, सेट नोटिफिकेशंस को ना बिल्कुल ही एम्प्टी करा देगी। सही है, मैंने ये कर दिया कि भाई जब भी पहला नोटिफिकेशन आए उसके 10 सेकंड बाद सबको उड़ा दे फिलहाल, क्योंकि वो सिंगल सिंगल वाले पे ना मेरा वो काम बन नहीं रहा है। ये एक साथ इतने सारे आए, मैं किसी एक को क्लोज मारता हूँ तो वो क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे ये सारे एक साथ गायब हो जाएंगे। सही है। अच्छा चैट की स्क्रीन पे भी ये नोटिफिकेशंस मुझे उसी तरह मिलते रहेंगे जब मैं चैट की स्क्रीन पे होऊंगा, तो इसका क्या हाल है? सही है, ये मैं चैट की स्क्रीन पे हूँ, ये मैं जवाब भी दे रहा हूँ यहाँ से, उसको भी मिल रहे हैं नोटिफिकेशन, यहाँ भी मिल रहे हैं, ये लो ओवरलैप हो गया सारे। अब मैं क्या करूँगा, मेरे इस वाले नोटिफिकेशन के अंदर जहाँ पे मुझे ये सॉकेट डॉट ऑन करके मिलता है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं वो पकड़ूँगा कि इस वक्त URL क्या है मेरा, नेविगेट है क्या है, वो रिएक्ट राउटर डॉम में जो मिलता है वो क्या है, वो यूज़ क्या होता है उसका, वो यूज़ हिस्ट्री, यूज़ नेविगेट, ये वाला यूज़ नेविगेट। एक मिनट चैट GPT से पूछ लेते हैं ना, यही होता है, आर यू श्योर? गेट करंट राउट इन रिएक्ट राउटर डॉम, यूज़ लोकेशन होता है, यूज़ लोकेशन, लोकेशन डॉट पाथ नेम करके मुझे मिल रहा है वो, यूज़ लोकेशन, और लोकेशन को मैंने क्या करवा लिया यहाँ पे, ऐसे करवा लिया, और लोकेशन डॉट पाथ नेम करके मुझे क्या हो रहा होगा, वो मिल रहा होगा। ठीक है, न्यू आइटम फ्रॉम सर्वर के साथ साथ मैं क्या करवा देता हूँ यहाँ पे, जो है ना लोकेशन डॉट, लोकेशन पूरा ऑब्जेक्ट ही करवा देता हूँ मैं कि लोकेशन में मुझे इस वक्त क्या मिल रहा है राइट नाउ। ठीक है, मैं जब इधर आता हूँ और यहाँ पे आके एंटर हिट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे पाथ नेम के अंदर देखो क्या मिला है। ठीक है, पाथ नेम में चैट मुझे मिलता है, तो अगर मैं इसके ऊपर डॉट पाथ नेम पे लगा दूँ कि इंक्लूड चैट, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। मतलब अगर इस तरह से मेरी जो स्ट्रिंग मिल जाती है मुझे, सही है, डॉट इंक्लूड्स चैट, सही है, ट्रू दे रहा है मुझे, तो सही है। मैं इस पर डॉट इंक्लूड्स लगाता हूँ कि चैट, अगर चैट हो तो उसको नोटिफिकेशन के उस पर ना पुश करें। सही है, मैं कहता हूँ कि यार लोकेशन डॉट पाथ नेम डॉट इंक्लूड्स अगर ये हो ना, ठीक है, इफ़ अगर ये हो तो इस सूरत में ये इसके अंदर ये नोटिफिकेशन ना डाले। लेकिन मैंने तो अपोजिट काम कराना है ना, तो मैं इसमें नॉट लगा दूंगा, और नॉट लगा के मैं इसको ये अंदर कर दूंगा इसके। सही
सही है। तो ये सेट नोटिफिकेशन में जब ही डालेगा जब मैं चैट की स्क्रीन पे नहीं होऊंगा। लिहाजा अब क्या होगा, अब मैं जब अबाउट की स्क्रीन पे होता हूँ तो मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा। सही है, क्यों नहीं मिला? अबे अभी भी चैट आ रहा है, ये क्या चक्कर है? इसमें अभी भी चैट मिल रहा है, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। सही है, मैं यहाँ से एक मैसेज मारता हूँ, मैंने यहाँ से एक मैसेज मारा, आ गया नोटिफिकेशन। सही है, पाथ नेम में इस वक्त अबाउट है। अच्छा, अब मैं मूव कर जाता हूँ चैट की स्क्रीन पे, मैं होम पे आता हूँ और होम पे आके मैं ये जंबो को मैसेज का बटन दबाता हूँ तो मैं जंबो के साथ चैट वाली स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, अब जब कोई मैसेज आए, मैंने ऐप को रिफ्रेश नहीं किया, याद रखें, अबाउट पे जाके मैंने रिफ्रेश किया था एक ही दफ़ा। अब जब मैं कोई मैसेज करता हूँ तो वो मैसेज तो आना चाहिए लेकिन नोटिफिकेशन भी आ रहा है, ये क्या चक्कर है यार? ये पाथ नेम अभी भी मिल रहा है मुझे, अबाउट ही मिल रहा है, वो चैट हुआ ही नहीं, ये क्या चक्कर हुआ? यूज़ लोकेशन शायद जिस वक्त यूज़ लोकेशन चलता है ये उसी वक्त की लोकेशन देता है मुझे। इवन इफ आई नेविगेट टू अदर routes, पूछें तो सही ना इसको यार। By rendering my component within a route component, it should be re-render when route changes. अच्छा 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 अच्छा, ये समझ आ गया मुझे। ये यूज़ लोकेशन जो है ना, एक्चुअली ये जब 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 चलेगा ना, जब जब मुझे ये देगा लोकेशन, रिटर्न्स करंट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे एक्चुअली क्या कराना है, ये मुझे उधर जा के ही कराना है। ये कह रहा है कि जब ये फंक्शन चलेगा ना तो जब आपको ये लोकेशन देगा, तो मुझे ये यहाँ पे एक्चुअली कराना है। जब ये ऑन चले ना तो इस जगह पे ही मैंने गेट करानी है लोकेशन, पहले से गेट करा के नहीं रखनी। ये वो वाला यूज़ नहीं है जो रियल टाइम में चेंज होता है, ये इधर ही मैंने करानी है, बल्कि इधर करानी है, बल्कि इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगाऊँगा यूँ कट, और इस लोकेशन की जगह पे मैं ये लगा लूँगा। ठीक है, तो एवरी टाइम वी गेट लोकेशन एंड देन पाथ नेम एंड देन इंक्लूड, ऐसे करके कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ऐसे यूज़ लोकेशन मार देता हूँ। नाउ वी आर गेटिंग बिजनेस, कैन नॉट बी कॉल्ड इनसाइड अ कॉल बैग। ओके, अच्छा कॉल बैग के अंदर तो नहीं हो सकता ये? नहीं, ये तो पूरा ही कॉल बैग है ना एक्चुअली, ये पूरा ही कॉल बैग है। ये इफ़ से अगर बाहर चलाऊंगा तो वो एक्चुअली री रेंडर होगा नहीं, इफ़ से बाहर चलाऊंगा तो वो री रेंडर नहीं होगा, तो वो फिक्स रहेगा, तो लिहाजा ये इसके अंदर काम ही नहीं करेगा, ये इसके अंदर काम ही नहीं करेगा। इसमें कोई दूसरा हमें करना पड़ेगा, इससे ये काम हो ही नहीं सकता। तुम कौन सा बता रहे थे? Is there any other way to get current URL, current browser URL? वैसे तो हम अगर window.url location भी करें ना तो वो भी हमें मिल जाएगा, लेकिन use location ही बता रहा है ये। ओह, अच्छा इसने कहा यार अपना बना लो आप। अच्छा हमें तो खैर जो काम कराना है ना, वो विंडो डॉट लोकेशन से बड़े आराम से हो जाएगी वो काम, है ना? क्योंकि हम तो पूरे यूआरएल में हमने जस्ट चैट को तलाश करना है, बट सोफिस्टिकेटेड तरीका नहीं होगा, बट हमारा काम स्टिल हो जाएगा उससे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके ना इधर ही, मतलब जहाँ पे हम ये लोकेशन डॉट पाथ नेम गेट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं आके अगर ये कर दूँ ना, सही है, ऐसे पाथ नेम, मैंने कहा भाई कॉन्स्ट और लोकेशन इक्वल्स टू दिस पाथ नेम ना, अगर मैं ये लगा दूँ इस पर, तो मेरा काम स्टिल इससे भी हो जाएगा। क्योंकि ये जब जब ये फंक्शन चलेगा, जब जब ये विंडो डॉट लोकेशन से पाथ नेम उठा के लाएगा, तो देखते हैं कि अब क्या होता है।
क्या बोला इसने? पाथ नेम दो बार लगा दिया मैंने. ओ यस, यहाँ पाथ नेम लगा हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पाथ नेम लगा हुआ था ऑलरेडी. हाँ सही है, ये चैट करके मुझे यूआरएल पूरा मिलना शुरू हो गया. तो अब लिहाजा क्या होगा, जब मैं इस स्क्रीन पे होऊंगा तो मुझे नोटिफिकेशन नज़र नहीं कि मैंने सारे मैसेजेस भेजे, यहाँ पे मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया. लेकिन जब मैं अबाउट में चला जाऊँगा तो क्या होगा कि अब मुझे नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी. अगेन क्या सीन है ये, क्यों नहीं मिली नोटिफिकेशन मुझे यार? अच्छा दोनों को रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं. चलो दोनों को रिफ़्रेश कर दिया मैंने, ये मैंने भेजा नोटिफिकेशन, यहाँ नोटिफिकेशन आ गई. सही है, अब जब मैं चैट में चला जाऊँगा तो फिर नहीं आनी चाहिए. चैट में चला गया मैं और ये मैं आ गया चैट में, अब नहीं आनी चाहिए नोटिफिकेशन. कंसोल पे आनी चाहिए लेकिन मेरे पास स्क्रीन पे, कंसोल पे आ रही है लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रही. ठीक है, मैसेजेस भी आ रहे हैं रियल टाइम में लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा. अच्छा तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको. ठीक है, ओपन के बटन के ऊपर हमने काम नहीं किया. अच्छा ओपन के बटन पे काम कराने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हम सर्वर से भेजते हैं ना स्ट्रिंग, ये जो हम सर्वर से नोटिफिकेशन के चैनल पे जो हम भेजते हैं ना स्ट्रिंग न्यू मैसेज ऐसे करके, इसकी जगह मुझे पूरा एक ऑब्जेक्ट भेजना होगा, जिसकी जगह ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डेटा भी भेजूंगा. मतलब एक तो मैं मैसेज भेजूंगा ऑब्जेक्ट में और दूसरा मैं भेजूंगा उस बंदे की आईडी के जिसका मैसेज आया है. फिर नोटिफिकेशन टाइप भेजूंगा मैं कि यार न्यू मैसेज है, तो फिर मैं उस पर कंडीशन लगाऊंगा कि यार नोटिफिकेशन को डिस्प्ले कराते हुए ना इफ़ अगर उसकी टाइप ये है तो उसके लिए अलग विजिट होगा, न्यू मैसेज का अलग विजिट, किसी और चीज़ का अलग विजिट. तो न्यू मैसेज का जो विजिट होगा उसमें फिर वो उस बंदे की आईडी पे ओपन करने पे ना उधर लेके जाएगा वो उस पे. ठीक है, करने को हम ये भी कर सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा ओवर हो गया. ठीक है, होपफुली इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि अब आगे हमने क्या करना है. अच्छा अगेन सॉकेट आयो को सिक्योर नहीं किया हमने अभी तक. सही है, और हम सिक्योर करना कवर भी नहीं कर रहे, वो खुद से देख लेना. लगाना बता दिया, हैंडल करना बता दिया, चैनल्स बनाने चैनल्स को रोकना अंदर जो भी है ना आगे पीछे वो सब मैंने बता दिया, सिक्योर खुद से देख लेना तुम लोग. जी भाई.